Good morning, everyone. Good morning. Good morning. कैसे हैं आप सब लोग? और कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है? बताइए जरा. और सबसे पहले तो जय माता दी. क्योंकि मैं वैष्णो देवी गई थी, तो एक बार जय माता दी हो जाए. तो मैं आप लोगों के लिए ढेर सारी माता रानी से प्रेम मांग के आई थी कि आप सब लोग जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोगों का जल्दी से सिलेक्शन हो जाए. टाइम्स के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सब का जो भी वो चाहते हैं, जिस भी एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो माता रानी उनको जल्दी से उनको सिलेक्शन दे दे. तो मैं बहुत सारी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं लेकर आई हूँ माता रानी के दरबार से. मैं गई थी, एक्चुअली दो दिन बीच में गई थी. तो जय माता दी और जय भोले की. हाँ, भोले जी की यहाँ भी मैं होकर आई थी. तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? हाँ, माता रानी सिर्फ आपको मोटिवेट करेंगी. माता रानी बस आपको हिम्मत देंगी, बाकी आपको पढ़ाई तो आपको खुद को करनी पड़ेगी. गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो मच. ओके, चलिए ठीक है. तो आगे सब लोग क्लास स्टार्ट की जाए. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग हिमांशु, सुनील कुमार, गुड मॉर्निंग. चलिए तो क्लास स्टार्ट करें. लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे. जय माता दी, हम भी हरिद्वार में. ओके, बहुत अच्छा है. बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर का केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला सेम ही होता है, सेम ही होता है. ठीक है, तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं. मैम बिल्कुल जितना आप करती हैं उतना तो हम कर सकते हैं. आई प्रोमिस मैम इस साल जॉब लेकर मानेंगे. बिल्कुल आनंद, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और माता रानी की भी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं. बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन हो. चलो, तो लास्ट क्लास में हम पढ़ा था, लास्ट क्लास में हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ रहे थे. और एनिमल किंगडम में मैंने क्या पढ़ाया आपको? बहुत सारे फाइलम पढ़ाए थे, तो उन फाइलम के आपको एग्जाम्पल भी याद करने थे. तो आई होप आपने अच्छे से नोट्स बनाए और अच्छे से पढ़ा हो. और जो बच्चे बोल रहे हैं कि नोट्स तो मैंने आज तक का जितना भी पढ़ाया है वो सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपकी ऐप पर नोट्स मैंने अपडेट करवा दिए हैं. प्लस जो बच्चे इंस्टाग्राम पे मेरे पेज पे जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पे, उनको भी मैंने सारे नोट्स भेज दिए हैं. लास्ट मैंने एनिमल डिजीज और एक्सक्रीटरी सिस्टम के नोट्स आज मैंने भेज दिए हिंदी मीडियम में. तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने आपको भेज दिए हैं. उसके बाद बेटा जो बेकिंग पाउडर होता है, जो बेकिंग सोडा होता है, तो बेकिंग सोडा जो होता है बेटा वो सिर्फ बेकिंग सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट. बट बेकिंग पाउडर में टार्टरिक एसिड भी मिलाया हुआ होता है, क्योंकि बेकिंग पाउडर जो होता है वो बहुत ज़्यादा बिटर होता है, तो उसकी बिटरनेस को कम करने के लिए टार्टरिक एसिड भी मिलाया जाता है. आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, अगर आपसे पूछे बेकिंग सोडा, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है, आप भी सुन लीजिए, बाकी सब भी सुन लीजिए. दो चीज़ें होती है केमिस्ट्री में, एक होता है बेकिंग सोडा जिसको हिंदी में कहा जाता है खाने वाला सोडा, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं खाने वाला सोडा. एक आपको बुक्स में लिखा मिलेगा बेकिंग पाउडर. इनका केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला दोनों ही सेम है. इनका केमिकल नेम, हाँ आज कारगिल दिवस है तो आप सब लोगों को हैप्पी कारगिल दिवस. और सब लोगों को दो मिनट का आप लोगों को मतलब जो भी हमारे आज तक इंडिया में जो भी हमारे बॉर्डर पे जो भी हमारे जवान शहीद हुए उनके लिए नमन करना है, तो आप दो मिनट के लिए आप नमन भी कर सकते हैं. मैम डबल वॉइस आ रही है, तो डबल वॉइस आ रही है दीपक, तो आप एक बार अपना पेज को रिफ्रेश कर लें, आपका सही हो जाएगा. ठीक है, देखिए तो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इनका केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला पूछे तो दोनों सेम चीज है, NaHCO3. और इसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट. बट अगर बेकिंग पाउडर की बात करते हैं तो ये ज्यादा बिटर होता है, ये कड़वा होता है, ये ज्यादा कड़वा होता है, तो इसकी बिटरनेस को, इसके कड़वेपन को कम करने के लिए टार्टरिक एसिड भी मिलाया जाता है साथ में, टार्टरिक एसिड. तो बेसिकली डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यही डिफरेंस होता है. ठीक है, यही डिफरेंस होता है. मैम खुद के नोट्स बना लेते हैं, आप इतना अच्छा पढ़ाती हैं तो पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ती है. मैं आज तक पीडीएफ नहीं लिया, थैंक्स अलोट मैम, साइंस का डर चला. वो कास्टिक सोडा होता है. ठीक है, तो याद रखिएगा. हाँ, ये क्वेश्चन सीजन ने पूछा हुआ है कि जो बेकिंग पाउडर है उसकी बिटरनेस को, उसके कड़वेपन को कम करने के लिए कौन सा एसिड मिलाया जाता है? आप बताएंगे टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल. और ये कहाँ होता है? टैमरिंड में, इमली में होता है. मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, क्लियर. चलिए, जिसने भी पूछा आई थिंक मैं उसका डाउट क्लियर कर चुकी हूँ. अब चलिए नेक्स्ट, अब हमारी क्लास पे वापिस आ जाते हैं हम. लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम.
जितने भी इस यूनिवर्स में या इस धरती पर एनिमल हैं, जानवर हैं, तो उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है वो हमने पढ़ा. तो उनको अलग अलग फाइलम में हमने उनको अलग अलग रखा. तो अब मैंने आपको लास्ट अपना जो फाइलम है वो कौन सा है, कॉर्डेटा. अब हमारा जो फाइलम है नेक्स्ट वो है कॉर्डेटा. तो चलिए अब कॉर्डेटा के बारे में पढ़ लेते हैं. कॉर्डेटा को हिंदी में कॉर्डेटा ही कहा जाता है, कुछ भी अलग टर्म नहीं है, कॉर्डेटा ही कहा जाता है. अब अगर आपसे कोई पूछे कि कॉर्डेटा हम किसको बोलते हैं, कॉर्डेटा किसको बोला जाएगा. मैम आप बहुत अच्छी लग रही हैं, ब्लैक ब्यूटी, थैंक यू वेरी मच रवि कुमार. अगर मैं अच्छी लग रही हूँ तो आज मैं नहा के आई हूँ शायद इसलिए मैं अच्छी लग रही होंगी. चलिए देखिए कॉर्डेटा क्या होता है, ध्यान से सुनिए. कॉर्डेटा किन एनिमल्स को बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम हो, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम हो. अब वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, तो मैम जिनके अंदर बैकबोन हो, और बैकबोन क्या होती है, तो मैम रीढ़ की हड्डी. तो बेसिकली हम कॉर्डेटा किसको बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर क्या हो, वर्टिब्रल कॉलम हो या बैकबोन हो या रीढ़ की हड्डी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेटा फाइलम का नाम देते हैं. ठीक है, ऐसे जानवर जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम. अच्छा वर्टिब्रल कॉलम को कभी कभी हिंदी में कशेरुक दंड भी कहा जाता है, कशेरुक दंड, मतलब जो जानवर जिनमें वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी हो. अब ये रीढ़ की हड्डी से दो तीन क्वेश्चन बनते हैं. कैसे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए यहां आइए, यहां पर आइए, देखिए कैसे. जब आप बच्चे थे तो आप में जो आपका रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में ऐसे एक खोखला सा पार्ट है, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है. मैंने आपको बताया था रीढ़ की हड्डी एक नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं, 26 हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं, है ना, पढ़ाया था ना मैंने, राइट. चलिए आप देखिए, तो जब आप बच्चे थे, जब आप, इशिता सिंह क्लास स्टार्ट हो चुकी है, प्लीज आप अपने पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, आपको क्लास विजिबल हो जाएगी, क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है. हिमांशु चौरसिया मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखिए एक क्वेश्चन बता दीजिए, टॉपिक से अलग है, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है. एब्जॉर्प्शन का मतलब है डाइजेशन होने के बाद जो फूड पार्टिकल्स मिले हैं उनको ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारे ब्लड के अंदर या हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के पास पहुंचाना, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड है जिसमें अमाइनो एसिड्स, जिसमें फैटी एसिड्स जो हों, उन सबको हमारी ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में घोलकर और हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के पास पहुंचना. एसिमिलेशन का मतलब होता है जो भी डाइजेस्टेड खाना है जिसके अंदर से स्टोर फूड हमने निकाल लिया, जो बचा हुआ खाना है उसको हम एसिमिलेशन का नाम देते हैं. ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड तीन होता है क्या माउथ में, बेटा तुम लोग ध्यान से पढ़ते नहीं हो आई थिंक, मैं आपको क्लास में बता चुकी हूं कितनी होती है, प्लीज. ठीक है चलिए देखिए, अब मैं अभी कमेंट नहीं लूंगी आपके, लास्ट के 10 मिनट में यहाँ पे डाउट ले लूंगी, अभी कोई डाउट नहीं पूछेगा मुझसे. देखिए तो कॉर्डेटा क्या होते हैं मैम, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम हो, जिनके अंदर बैकबोन हो. अब ये बैकबोन से तीन चार क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुन लो, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है. देखिए जब आप बच्चे थे तो आप में रीढ़ की हड्डी में ऐसा एक खोखला सा पार्ट बना हुआ था अंदर की साइड, इस खोखले से पार्ट के अंदर ऐसे फ्लूड रहता था, इसके अंदर फ्लूड रहता था. तो ये फ्लूड जब आप बच्चे थे तो बहुत सॉफ्ट होता है, और जब अडल्ट हो जाते हैं हम तो ये बहुत रिजिड हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है. इसको नाम दिया जाता है नोटोकोड. तो बहुत बार आप पढ़ोगे कि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंस होती है, नोटोकोड की प्रेजेंस होती है, उसको हम कॉर्डेटा बोलते हैं. आपको समझ में आ गया, एक नया टर्म सीखा आपने, नोटोकोड. नोटोकोड क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, नोटोकोड जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके बीच में एक खोखला पार्ट होता है, तो उस खोखले पार्ट के अंदर फ्लूड रहता है. वो फ्लूड जब हम बच्चे थे तो बहुत सॉफ्ट होता है, और जब हम अडल्ट हो जाते हैं, हमारा प्यूबर्टी एज खत्म हो जाता है, तो अडल्ट एज में वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, उसको हम नोटोकोड बोलते हैं. तो ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकोड हो, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम हो या जिनमें बैकबोन हो, उसको बोलते हैं कॉर्डेटा. और ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकोड, बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम ना हो, या वर्टिब्रल कॉलम ना हो, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको हम नॉन कॉर्डेटा का नाम देते हैं. उनको हम क्या नाम देते हैं, नॉन कॉर्डेटा, या हिंदी में बोलते हैं अकशेरुकी दंड.
और जितने भी फाइलम मैंने आज से पहले लास्ट क्लास में पढ़ाए थे वो सारे के सारे फाइलम क्या थे, नॉन कोडेटा वाले थे. लाइक मैंने आपको निडीरिया फाइलम पढ़ाया, मैंने आपको कौन सा पढ़ाया, प्रोटोजोआ फाइलम पढ़ाया. जितने भी फाइलम्स मैंने पढ़ाए थे, 8 या 9 जितने पढ़ाए मैंने, वो सारे क्या थे, नॉन कोडेटा थे. और नॉन कोडेटा का मतलब क्या हो गया, उनमें ना ही तो नोटोकोड था, ना ही उनमें वर्टिब्रल कॉलम था, और ना ही उनमें बैकबोन था. बता देंगे, सिंपल सी बात है. एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, चलो आपको कितना समझ में आया, जल्दी बताइए, कॉकरोच में बैकबोन होता है या नहीं होता है, या अर्थवर्म केंचुए में बैकबोन होता है या नहीं होता है. केंचुए को कहां रखेंगे हम, अर्थवर्म को हम कोडेटा में रखेंगे या नॉन कोडेटा में रखेंगे, जल्दी बताइए मुझे. अर्थवर्म को हम कोडेटा में रखेंगे या नॉन कोडेटा में रखेंगे, जल्दी बताइए. कितना समझ में आया मैं आपको बता देती हूं अभी. यहां पर कहां रखेंगे अर्थवर्म, केंचुए को कहां रखेंगे. केंचुए लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने, और लास्ट क्लास तक पढ़ाया था वो सारे क्या थे, नॉन कोडेटा. ठीक है, चलिए मैम सबको समझ में आ गया, आपने सही आंसर दिया. सुमित कुमार आप सही से नहीं सुन रहे हैं, आप कोडेटा क्यों बोल रहे हैं. कोडेटा का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम हो. और मैंने बोला है कि अभी तक मैंने जितने भी फाइलम पढ़ाए हैं वो सब नॉन कोडेटा वाले होते हैं. और नॉन कोडेटा का मतलब क्या है, उनमें ना बैकबोन है, ना ही वर्टिब्रल कॉलम है, और ना ही उनमें नोटोकोड होता है. ठीक है, अब देखिए ये जो नोटोकोड है, इस नोटोकोड से आपकी छोटी छोटी बोन्स निकलती हैं, इससे ऐसी बोन्स निकलती हैं ऐसे, और इनसे ये जो स्ट्रक्चर निकलती है इस नोटोकोड से, इनको नाम दिया जाता है वर्टिब्री. इनको नाम क्या दिया जाता है, इनको नाम दिया जाता है वर्टिब्री, वर्टिब्री. और हिंदी में इसको कहा जाता है कशेरुकी, कशेरुकी. ठीक है, इनको नाम क्या दिया जाता है, वर्टिब्री. बहुत ही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मुझे हमेशा टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं कि मैम आपने तो पढ़ाया था रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियां होती हैं, हम बुक्स में पढ़ते हैं 33 हड्डी होती हैं. तो वो हड्डियां नहीं होती 33, वो वर्टिब्री होती हैं. आपसे एग्जाम में पूछे कि ह्यूमन बॉडी में वर्टिब्री कितनी होती है, कशेरुकी कितनी होती है, आप बताओगे 33 होती है. कितनी होती है, 33. और इन वर्टिब्री के अंदर क्या रहती है, हड्डियां रहती हैं. और इन हड्डियों को हम क्या बोलते हैं, बैकबोन की हड्डियां. तो अगर आपसे पूछे बैकबोन में कितनी हड्डियां होती हैं, आप क्या बताओगे, 26. आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए. पहला क्वेश्चन, नोटोकोड क्या होता है, आप बताओगे रीढ़ की हड्डी में जो खोखला पार्ट होता है जिसके अंदर फ्लूड भरा हुआ होता है, और उसी फ्लूड में प्लाज्मा भी बनता है, और उसी फ्लूड में हमारी आरबीसी वगैरह बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नोटोकोड का नाम देते हैं. और इस नोटोकोड से जो ऐसे 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 आपकी नर्व्स निकलती है, नर्व्स जैसी स्ट्रक्चर निकलती है, उनको हम वर्टिब्री बोलते हैं. और ह्यूमन बॉडी में कितनी वर्टिब्री होती है, तो हम क्या बताएंगे, 33 वर्टिब्री होती है. और अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में बैकबोन में कितनी हड्डियां होती है, हम क्या बताएंगे, 26. ठीक है, हाँ, इनको वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं. यस, इनको वर्टिब्रेट, कोडेटा या वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, ये आप बता देंगे. ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चंस याद रखिएगा. अब हम कोडेटा में एक एक करके सारे पढ़ लेते हैं. सबसे पहले आप कोडेटा में पढ़ोगे फिश, मछली. कोडेटा का पहला जो आपका आता है उसको मत्स्य या मछली वाला फाइलम बोलते हैं, या फिश या मछली वाला फाइलम उसको नाम दिया जाता है. अब फिश के क्या क्या करेक्टर होते हैं, वही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा. देखिए, सबसे पहला मैंने आपको बहुत बार बताया है कि फिश का रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है. मैम मछलियों में लंग्स नहीं होते हैं, मछलियां कहाँ से सांस लेती हैं, मैम गिल्स से सांस लेती हैं. तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो फिश किंगडम में आती हैं उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, आप क्या बताओगे, गिल्स होते हैं. वो कहाँ से सांस लेती हैं, फेफड़ों से. नेक्स्ट मैंने आपको बताया था फिशेज में क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन. और इसका मतलब मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था, एक होता है डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, ये हमारा हार्ट, और हार्ट के अंदर मैं हमारी बात कर रही हूं, हमारी मतलब मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूं. ह्यूमंस में चार टाइप की क्या होती हैं, ह्यूमंस के हार्ट में चार क्या होते हैं, चैम्बर्स होते हैं. तो हमारे हार्ट में एक बार इधर से ब्लड आता है, फिर यहाँ से आउट होता है, मैम आप पढ़ा चुकी हैं, फिर वापस यहाँ से आता है, फिर यहाँ से आउट होता है मैम. तो मैम एक बार यहाँ से आया, एक बार यहाँ से आया, एक बार यहाँ से बाहर गया, एक बार यहाँ से बाहर गया. तो ये कितने टाइप का सर्कुलेशन हो गया, दो बार खून आया, दो बार बाहर गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डबल सर्कुलेशन. उसको क्या बोलेंगे हम, डबल सर्कुलेशन. ठीक है, और अगर मैं मछलियों की बात
करूं तो मैम आपने बताया था मछलियों में हार्ट, मछलियों के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? दो चैम्बर होते हैं, टू चैम्बर, दो कोष्ठक पाए जाते हैं उनके हार्ट में। कैसे मैम? तो मैम आपने पढ़ाया था हमें कि मछलियों का जो हार्ट होता है उसके अंदर कैसी स्ट्रक्चर होती है, तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है, उसमें सिर्फ दो ओरिकल्स होते हैं, एक बार यहां से खून आता है, यहां से बाहर निकल जाता है। तो इस टाइप के सर्कुलेशन को हम क्या नाम बोलते हैं? सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, आपसे पूछेगा मछलियों में किस टाइप का सर्कुलेशन होता है? सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। सांस कहां से लेती है? गलफड़ों से। और चैम्बर्स कितने होते हैं हम बताएंगे? कितने? तो चैम्बर्स उनके हार्ट में कितने होते हैं? दो चैम्बर। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल याद करने हैं कि इन मछलियों में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, क्योंकि कुछ मछली हैं वो मछली होती हैं बट फिर भी उनको फिश में नहीं रखा जाता है। लाइक मैम आपने बताया था कौन सी, आपने पढ़ाया था वेल फिश। वेल फिश के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? चार। तो उसको यहाँ पे नहीं रखेंगे हम। तो इसके एग्जाम्पल लिखिए, आपको कौन कौन सी फिशेस के एग्जाम्पल याद करने हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल याद या करेंगे यहाँ पे शार्क फिश। सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे? शार्क फिश। और इस शार्क फिश का दूसरा नाम होता है, इसको डॉग फिश भी कहा जाता है क्योंकि कुत्ते जैसी लगती है। और दूसरा, कुत्ते के जो सेंस होते हैं स्मेल करने वाले, वो बहुत तेज होते हैं। आपको पता है कुत्ता सूंघ कर ही बता देता है कि ये मेरा, मतलब जो भी कुछ बताना होता है वहां पर। ऐसे ही इस मछली, शार्क मछली जो होती है उसके भी जो सूंघने वाले, जो नोज में जो स्मेल, जो नोज में स्मेल वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत तेज होते हैं। तो इसको हम शार्क फिश या डॉग फिश के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आप बताओगे, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी मछली में हड्डी नहीं होती। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि उस मछली का नाम बताओ जिसमें हड्डी नहीं होती, या कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलता है शार्क फिश में कितनी हड्डियां होती हैं, एक दो तीन या जीरो। आप जीरो वाला ऑप्शन लेकर चलेंगे, इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है। आप बताओगे इसमें बोन्स नहीं होती, बोन्स नहीं पाई जाती है, बोन्स नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट आपको एक पॉइंट बता देती हूं मैं इसके बारे में कि जो शार्क मछली होती है इसको, इसके हार्ट में कितने चैम्बर होंगे? आप बताओगे दो चैम्बर होंगे। इसीलिए हमने इसको कहाँ रखा? इसको फिश किंगडम में रखा। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल पहला तो हो गया शार्क फिश, दूसरा आप याद रखेंगे हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, अच्छा हिप्पोकैम्पस आपके ब्रेन का भी एक पार्ट होता है और एक मछली का नाम भी होता है हिप्पोकैम्पस। ठीक है, तो आप बताएंगे हिप्पोकैम्पस जो है उसको भी कहाँ रखा जाता है? फिश में। इसको कहा जाता है सी होर्स, समुद्री घोड़ा। इसको नाम क्या दिया जाता है? समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा। पूछे समुद्री घोड़ा में कितने हार्ट में कितने चैम्बर होंगे? दो चैम्बर। और उनमें सर्कुलेशन कैसा होगा? सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, यस इट इज ईटेबल, आप खा सकते हैं शार्क फिश मछली को भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आपको याद रखना है गेम्बूसिया। नेक्स्ट मछली का नाम है आपका गेम्बूसिया। और गेम्बूसिया किसको कहते हैं? अच्छा इनकी हिंदी में अलग नाम नहीं है, गेम्बूसिया ही है। इसको कहा जाता है मॉस्क्यूटो फिश। इसको क्या नाम दिया जाता है? मॉस्क्यूटो फिश, मच्छर मछली, मच्छर मछली। ये खून भी पी सकती है आपकी, मच्छर की तरह आपका खून भी पी सकती है। अगर ये मछली आपके बॉडी के कॉन्टेक्ट में आ गई तो ये आपका ब्लड वगैरह सक कर लेती है, ब्लड को सक कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका गेम्बूसिया। उसके बाद चार नंबर पे आप याद रखेंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहां पर, ये सीधे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टोन फिश, नेक्स्ट है आपका स्टोन फिश। और स्टोन फिश जो होती है वो जहरीली मछली होती है, इसके अंदर पॉइजन होता है, ये जहरीली मछली होती है। अगर इसने आपको काट लिया तो आप मर भी सकते, आप मर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये चार आपको यहां पर एग्जाम्पल याद करने हैं। इसके अलावा जो भी आपके एग्जाम्पल हैं वो सारे मछलियों के यहीं पर आते हैं। दो मछली हैं जो यहां पर नहीं आती हैं, कौन कौन सी आप बताओगे? एक तो वेल फिश। वेल फिश मैंने आपको पढ़ाया था, वेल फिश के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? चार चैम्बर होते हैं। इसलिए वेल फिश को हम कहाँ रखते हैं? तो मैम इसको हमने इंक्लूड किया था मैमल्स में। अब आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा कि वो कौन कौन सी मछली हैं जो मछली हैं फिर भी उनको फिश के अंदर नहीं रखते हैं, मछली मत्स्य किंगडम के अंदर नहीं रखते हैं। आप बताओगे, एक तो वेल फिश एक्सेप्शन में आती है, ये कहाँ रखी जाती है? तो ये मैमल्स में। दूसरी आप बताओगे डॉल्फिन।
डॉल्फिन को कहां रखा जाता है, उसको भी हम कहां पे रखते हैं, मैमल्स में. अब मैमल्स में डॉल्फिन को रखने का रीजन क्या है, क्योंकि डॉल्फिन जो होती है उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होता है, फेफड़े होते हैं, और जितने भी मैमल्स हैं वो सब फेफड़ों से ही सांस लेते हैं. तो आप बताइएगा कि इन दो मछलियों को छोड़कर जितनी भी मछली हैं उन सबको फिश में रखते हैं. सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे वो कौन सी मछली है जिसके अंदर हड्डी नहीं होती है, आप बताओगे शार्क मछली. वो कौन सी मछली है जिसको हम समुद्री घोड़ा बोलते हैं, हिपोकैम्पस. वो कौन सी मछली है जिसको हम मच्छर मछली बोलते हैं, गैम्बूसिया. वो कौन सी मछली है जिसके अंदर पॉइजन होता है, जहर होता है, स्टोन फिश मछली. और वो कौन कौन सी मछली है जिनको हम मैमल्स में रखते हैं, व्हेल फिश. रखने का रीजन क्या, क्योंकि मैम इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हार्ट में चार चैम्बर होते हैं. उसके बाद आपसे पूछे डॉल्फिन को क्यों रखा, क्योंकि इसमें लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं. क्लियर है, इतना आपको मछली वाले किंगडम में याद रखना था. इसके अलावा आपको कुछ भी यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, इतना ही आपको याद रखना है. किसमें, तो व्हेल फिश में. सिंगल सर्कुलेशन होता है, हार्ट में दो चैम्बर होते हैं, ये कुछ बातें आपको याद रखनी है. हाँ, गैम्बूसिया को ही मॉस्किटो कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आपको याद रखना है यहां पर एम्फीबियंस किंगडम. कौन सा, एम्फीबियंस किंगडम. और एम्फीबियंस को हिंदी में कहा जाता है उभयचरी, उभयचरी. अब उभयचरी का मतलब क्या है, जो धरती और पानी दोनों पे सरवाइव करें. कहां कहां पर, जो अर्थ और जो वाटर दोनों में रह सकते हैं, जो लैंड एरिया में और जो पानी में, दोनों जगह रह सकते हैं. अब बात आती है इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, तो आप बताओगे मैम इनमें सांस लेने के लिए दो ऑर्गन होते हैं, इनमें श्वसन के लिए दो ऑर्गन पाए जाते हैं. कौन कौन से ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मैम जब ये पानी में होते हैं तो ये कहाँ से सांस लेते हैं, जब ये पानी में होते हैं तो मैम इनके स्किन से सांस ले लेते हैं, अपनी त्वचा से. इनकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनसे सांस ले लेते हैं. दूसरा, जब ये धरती पर होते हैं तो ये क्या करते हैं, जब ये धरती मतलब अर्थ पे होते हैं तो मैम ये हमारे लंग्स से, जैसे हमारे लंग्स होते हैं वैसे इनमें भी लंग्स, फेफड़े होते हैं, तो उसके थ्रू ये क्या कर लेते हैं, सांस ले लेते हैं. ठीक है, आराम से थोड़ा. ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो मैंने बताया है इनका हार्ट कैसा होता है, 3-chambered हार्ट. कहने का मतलब है इनके हार्ट में कितने चैम्बर, 3 chambers. और कैसे होता है मैम, ये इनका हार्ट होता है, ये इनके हार्ट में सेप्टम होती है, ये ओरिकल होता है, ये ओरिकल होता है, और ये क्या होता है, वेंट्रिकल होता है. ठीक है, ये आप बता देंगे, हो गया. चलिए, इतनी बातें आपको एम्फीबियंस में याद रखनी थी. अब एम्फीबियंस में क्या क्या आता है, आप बताओगे. एम्फीबियंस में फ्रॉग आता है, एक हाइला है, हाइला को भी एम्फीबियंस में रखते हैं. ठीक है, ये कुछ आपको एम्फीबियंस के एग्जाम्पल याद रखने थे, बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, मैं आपको सारे बता रही हूँ वहाँ पे. चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आपको कोडेटा में कौन सा फाइलम पढ़ना है, आपको पढ़ना है कोडेटा का नेक्स्ट फाइलम रेप्टाइल्स. कौन सा पढ़ना है, रेप्टाइल्स. सरीसर्प, या जिनको बोलते हैं हम जो रेंकर चलते हैं, रेप्टाइल्स, और हिंदी में इनको बोलेंगे हम सरीसर्प, सरीसर्प, रेप्टाइल्स. अब रेप्टाइल से भी आपको सेम पॉइंट याद रखने हैं. रेप्टाइल्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूछा जाएगा, तो मैंने आपको पढ़ाया है रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनका क्या होता है, सांस लेने के लिए कौन सा ऑर्गन होता है, रेस्पिरेशन कहाँ से करते हैं रेप्टाइल्स. तो मैम रेप्टाइल्स जो होते हैं वो अपने लंग्स से ही सांस लेते हैं. रेप्टाइल्स किससे सांस लेते हैं, तो आप बताएंगे कि इनमें भी लंग्स होते हैं, लंग्स. बट मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जिनके अंदर गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं. जैसे एक सांप आता है, एक स्नेक है, तो वो पानी के अंदर रहता है, तो पानी के अंदर जब होता है तो वो अपना जितने भी गिल्स होते हैं तो उनको गिल्स के थ्रू वो क्या करता है, अपना सांस ले लेता है. ठीक है, नेक्स्ट आप बताएंगे जो रेप्टाइल्स होते हैं उनका खून कैसा होता है, तो उनका खून होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. कैसा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. तो इनका खून कैसा बताएंगे आप मैम, इनका खून
ठंडा खून होता है। आप ठंडा और गर्म खून का मतलब मैं बहुत बार बता चुकी हूं, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। ठंडे खून का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम ज्यादा कर सकते हैं, बाहर के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कम ज्यादा कर सकते हैं, उनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। और जिनका खून गर्म होता है उनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कहते हैं कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट आप बताएंगे कि जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके हार्ट में भी कितने चैम्बर होते हैं, तो इनका हार्ट भी मैम 3 chambered हार्ट होता है। कितने चैम्बर का? 3 chambered का। 3 chambered का मतलब क्या है? 3 कोष्टक, 3 कोष्टक, ठीक है। चलिए अब आपको कुछ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आपको पता है कि कुछ तो लिजर्ड्स आती हैं यहाँ पर, छिपकली आती हैं, कुछ छिपकली आती हैं यहाँ पे। उसके अलावा नेक्स्ट आप क्या याद रखेंगे, यहाँ पर स्नेक्स आते हैं, सांप आते हैं, स्नेक्स। उसके अलावा मैंने आपको बताया था क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल कहाँ पर आता है, तो मैंने आपको बताया था क्रोकोडाइल को दोनों किंगडम में रखा जाता है। क्रोकोडाइल मगरमच्छ, मगरमच्छ मैमल्स में भी आएगा क्योंकि उसके हार्ट में 4 chambered होते हैं, और क्रोकोडाइल स्नेक्स में भी आएगा। अब स्नेक्स में क्यों आता है, सॉरी रेप्टाइल्स में क्यों आता है, क्योंकि जो क्रोकोडाइल है उसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स और गिल्स दोनों होते हैं, लंग्स और गिल्स दोनों होते हैं, ठीक है, बता देंगे। उसके बाद आप बताओगे एक छिपकली होती है जो उड़ती है, आपसे पूछा जाता है बेटा टेडपोल जो होंगे चंदन कुमार वो एम्फीबियंस में ही आएंगे, ठीक है। रेप्टाइल्स कौन से किंगडम में, एनिमल किंगडम चल रहा है बेटा, ये तुम कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, ऐसा नॉनसेंस से क्वेश्चन मत पूछो। एनिमल किंगडम चल रहा है, फाइलम मैंने आपको बता दिया, कॉर्डेटा चल रहा है, कॉर्डेटा, तो आप क्या मतलब इतने गंदे क्वेश्चन पूछोगे यार, तुम्हें ये नहीं पता क्या पढ़ाया जा रहा है, तुम पढ़ोगे क्या, ठीक है। एक आता है कि जो उड़ने वाली छिपकली होती है उसका नाम क्या होता है, फ्लाइंग लिजर्ड, उड़ने वाली छिपकली का नाम बताओ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, जल्दी बताइए। एक बच्चा पूछ रहा है कितने दिन और क्लास चलेंगे, इससे आपको क्या मतलब है पिंटू कुमार, आप चुपचाप पढ़ाई कीजिए ना। जो उड़ने वाली मछली होती है उसका नाम होता है डेक्रो, पढ़ाओ तो दिक्कत, ना पढ़ाओ तो दिक्कत, कैसे बच्चे हो यार आप, कैसे बच्चे हो आप, मुझे समझ में नहीं आता। नेक्स्ट आप बताएंगे यहां पर कि जितने भी घड़ियाल होते हैं, घड़ियाल एलिगेटर्स, इसका एग्जांपल नेक्स्ट लिख सकते हैं आप, एलिगेटर जो घड़ियाल होते हैं वो भी कहां आते हैं, तो वो भी रेप्टाइल्स में आते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा उड़ने वाली मछली का नाम बताओ, आप क्या बताओगे, सॉरी उड़ने वाली छिपकली, उड़ने वाली छिपकली का नाम होता है डेक्रो, उसको डेक्रो बोलते हैं, साउथ क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका साइड होती है, यहां पे नहीं होती है, ठीक है। उसके अलावा आप बताएंगे कि जो लिजार्ड्स होती हैं, जो स्नेक्स होते हैं, जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, क्रोकोडाइल तो एक्सेप्शन है, उसको मैमल्स और यहां पर दोनों में रखा जाता है, ठीक है। और जो एलिगेटर्स होते हैं घड़ियाल, उनको भी हम किस में रखते हैं, रेप्टाइल्स में रखते हैं। और रेप्टाइल्स का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, लंग्स और गिल्स दोनों होते हैं। खून कैसा होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। डेक्रो, फ्लाइंग लिजार्ड कट गया इधर नहीं दिख रहा, तो उसको बोलते हैं हम डेक्रो, डेक्रो। ये आपको कुछ रेप्टाइल्स के बारे में बातें याद रखनी थी, ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट आता है आपका एव्स, एव्स, एव्स का मतलब होता है बर्ड्स। एव्स में किसको रखते हैं हम, पक्षियों को, किसको रखते हैं हम, बर्ड्स, पक्षियों को रखते हैं, ठीक है। चलिए मैं कलर चेंज कर लेती हूं, अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो देखिए। नेक्स्ट है आपका फाइलम कॉर्डेटा का, आप बताएंगे एव्स, एव्स में हम किसको रखते हैं, बर्ड्स या पक्षियों को हम कहां रखते हैं, तो एव्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। इसके बाद आप याद रखेंगे कि जितने भी बर्ड्स होते हैं उनका खून कैसा होता है, तो उनका खून वॉर्म ब्लडेड होता है। और वॉर्म का मतलब क्या है, उनका खून कैसा होता है, गर्म खून होता है। गर्म खून का मतलब क्या है, उनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कॉन्स्टेंट रहता है। बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय ब्रेन,
और जब ब्रेन हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है तो कहने का मतलब है उसका शरीर का तापमान क्या रहता है, नियंत्रित रहता है। नियंत्रित का मतलब है कॉन्स्टेंट रहता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद आप याद रखेंगे कि बर्ड्स के हार्ट में भी कितने चैम्बर होते हैं, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। और फोर का मतलब क्या है, चार कोष्ठक पाए जाते हैं। तो इनका हार्ट कैसा हो जाएगा, चार कोष्ठकीय हार्ट, चार कोष्ठकीय हृदय हो जाएगा। खून कैसा होगा, गर्म। आपसे पूछे बर्ड्स को किस फाइलम में रखा जाता है, आप क्या बताएंगे, एव्स फाइलम में रखा जाता है, एव्स। ठीक है, नेक्स्ट आप इनके बारे में क्या करैक्टर बताएंगे कि इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, सांस कहां से लेते हैं। इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, सांस लेने के लिए अंग कौन सा होता है, आप बताएंगे ये सांस कहां से लेते हैं, लंग्स से या फेफड़े से सांस लेते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट आप में से कुछ बच्चों ने कभी नहीं सुना होगा, ये जो बर्ड्स क्या होते हैं, जो उड़ पाए, जो उड़ सकते हैं, जो फ्लाई कर सकते हैं, और फ्लाई करने के लिए क्या होता है, इनके अंदर फ्लाइंग बोन होती है, उड़ने वाली हड्डियां होती हैं, इनके जो पंख होते हैं, जो लेदर होते हैं, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक फ्लेक्सिबल बोन होती है जिसकी वजह से वो फ्लाई कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बर्ड्स फ्लाई किस हड्डी की वजह से कर पाते हैं, बर्ड्स के जो पंखों के जो लेदर होते हैं, पंख होते हैं जो बर्ड्स के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक हड्डी होती है जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। और कौन सी हड्डी, आप बताएंगे उस हड्डी को बोलते हैं प्नोमैटिक बोन। इस हड्डी की वजह से बर्ड्स फ्लाई कर पाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछे जो पक्षी होते हैं वो किस हड्डी की प्रेजेंस से फ्लाई कर सकते हैं, तो आप बताएंगे प्नोमैटिक बोन या प्नोमैटिक हड्डी की वजह से। क्लियर है, चलिए आप कुछ एग्जाम्पल हो जाए, इनके एग्जाम्पल पूछे जाएं आपसे कि बर्ड्स के अंदर क्या क्या आते हैं, तो सारे के सारे बर्ड्स जो उड़ सकते हैं। उसके अलावा कुछ अगर स्पेशल है तो मैं आपको बता देती हूँ आप क्या लिखेंगे इनमें। आप एक याद रखेंगे कि एग्जाम्पल, एक तो ऑल फ्लाइंग बर्ड्स, जितने भी उड़ने वाले होते हैं पक्षी, ऑल फ्लाइंग बर्ड्स, सभी उड़ने वाले पक्षी। और उसके अलावा आप याद रखेंगे ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच भी कहाँ आता है, शुतुरमुर्ग भी कहाँ आता है, हम बताएंगे वो भी एव्स में आता है। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होता है, सबसे बड़ा, और आप इसके आगे ब्रैकेट में लिख दो लार्जेस्ट सेल होती है ये, क्या होती है, लार्जेस्ट। एक बहुत बार पूछा जाता है कीवी कहाँ आता है, कीवी एक तो फ्रूट होता है, यहाँ पर खाने वाले फ्रूट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर एक पक्षी होता है, एक चिड़िया जैसी होती है जिसको हम बोलते हैं कीवी, कीवी। ठीक है, आप बता देंगे। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, एक सबसे छोटी चिड़िया जिसको हमिंग बर्ड के नाम से जाना जाता है, हमिंग बर्ड, ठीक है, ये सबसे छोटी चिड़िया होती है, इसका अंडा सबसे छोटा होता है, हमिंग बर्ड सबसे छोटा, एक तो आप ये याद रखिएगा, ये सबसे छोटा अंडा देती है। इसके अलावा जो हमिंग बर्ड है इसको स्विफ्ट ऑफ जापान कहा जाता है, इसको स्विफ्ट ऑफ जापान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो हमिंग बर्ड है वो एक बारी में आगे और पीछे दोनों साइड देखकर उड़ सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रिच उड़ता नहीं है, बट ऑस्ट्रिच के हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होता है, और उसके अंदर क्या होती हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होते हैं, और उसका जो खून होता है वो क्या होता है, हाँ सबसे छोटा कीवी होता है जो उड़ता नहीं है, जो उड़ता नहीं है, बट उसमें प्रोमेटिक बोन होती है। ठीक है, आप याद रखेंगे कि जो हमिंग बर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो हमिंग बर्ड को हम स्विफ्ट ऑफ जापान बोलते हैं, जापान का जहाज, इसको हिंदी में जापान का जहाज बोलते हैं, बहुत तेज उड़ता है। प्लस आप बताएंगे कि जो ये स्विफ्ट ऑफ जापान है, एक तो हमिंग बर्ड को जो अंडा है वो सबसे छोटा अंडा होता है, और ये एक बारी में आगे फ्रंट में और बैकवर्ड में दोनों साइड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड देखकर उड़ सकती है। ठीक है, हमिंग बर्ड, तो इसलिए हमने जापान का जहाज नाम दे दिया इसको। इतनी बातें आपको एव्स में याद करनी थी।
नेक्स्ट और लास्ट आज का, नेक्स्ट और आज लास्ट, हाँ न्यूजीलैंड में मिलता है कीवी जो होता है वो न्यूजीलैंड में ज्यादा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट और आज का अपना लास्ट फाइलम है दैट इज मैमल्स। कौन सा? मैमल्स, ये लीजिए, ये आपका लास्ट फाइलम है, एनिमल किंगडम का लास्ट फाइलम स्तनधारी या मैमल्स, या इनको हिंदी में स्तनपाई कहा जाता है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाए, जो अपने बच्चों को दूध पिलाए, स्तनपाई, ये आपके मैमल्स लास्ट। सबसे पहला, मैमल्स के हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं? फोर चैम्बर्ड हार्ट। इनके हृदय में चार कोष्ठक पाए जाते हैं, इनके हृदय में हो गया। चलिए, एक तो इनके हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं मैम? 4 चैम्बर। नेक्स्ट आप बताएंगे इनका खून भी कैसा होता है? वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब क्या है? गर्म खून वाले। और गर्म खून क्यों बोला? क्योंकि इनके बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है। और कितना होता है हमारा बॉडी का टेम्परेचर? आप क्या बताएंगे कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे कि हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? मैमल्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? हम बताएंगे लंग्स, वो फेफड़ों से सांस लेते हैं। नेक्स्ट आप बताओगे इनमें दूध बनाने वाली ग्लैंड होती हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती हैं। दूध बनाने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं फीमेल्स में, और जिनका नाम क्या होता है? तो हमने बताया आपको नाम जब मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम करवाया था कि लड़कियों में दूध बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं, और जिनका नाम क्या होता है? मैमरी या मैमलरी ग्लैंड, या मैमलरी ग्लैंड, ठीक है। दूध बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं, इसीलिए अपने बच्चों को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं। नेक्स्ट आप क्या बताओगे कि इनके बॉडी पर हेयर्स होते हैं, तो नेक्स्ट बताओगे प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर्स। इनके शरीर के ऊपर बाल पाए जाते हैं, इनके शरीर के ऊपर बाल पाए जाते हैं, ये भी एक इनका करैक्टर होता है। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या बताएंगे? तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का लंग्स होता है। इसके अलावा 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल, क्योंकि इसके कुछ एग्जाम्पल आते हैं वो एक्सेप्शन होते हैं बाकी सब फाइलम के, इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में सबसे पहला ह्यूमन बींग्स, मनुष्य जाति। ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं? आप बताओगे मैमल्स में आते हैं। दूसरा आप क्या बताओगे? दूसरा यहाँ पर बताओगे आप डॉल्फिन। डॉल्फिन को हमने क्यों रखा? क्योंकि उस सांस कहाँ से लेता है? लंग से। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को क्यों रखा? क्योंकि उसके हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। नेक्स्ट एग्जाम्पल व्हेल फिश। और व्हेल फिश का मतलब क्या है? इसके इसको क्यों रखा? क्योंकि इसके हार्ट के अंदर अगेन कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। उसके बाद आपसे पूछा जाए और क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, तो आप बता दोगे जितने भी यहाँ पर ऐसे एनिमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको हम कहाँ पर रखते हैं? मैमल्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैमल्स के बारे में याद करना है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मैमल्स कौन से किंगडम में आते हैं, एनिमेलिया या एनिमल किंगडम में, कौन से फाइलम में आते हैं मैमल्स, किस जो अपने ह्यूमन बींग्स, मैं ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूँ, ह्यूमन बींग्स किस फाइलम में आते हैं? आप क्या बताओगे? मैमल्स फाइलम में आते हैं स्तनधारी। अरब हो गए, देख लेना थोड़ा सा,
मैमस में आते हैं और कौन से किंगडम में तो हम क्या बताएंगे तो मैम कौन से किंगडम में हम एनिमल किंगडम में आते हैं ठीक है बस इतना ही आपको एनिमल किंगडम पढ़ना था या आपका एनिमल किंगडम चैप्टर मेरी साइड से खत्म हो गया अब आप इसके जितने भी एमसीक्यू हैं आप लगाइएगा आपको सारे के सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे आपसे हो जाएंगे ठीक है चलिए हो गया चलिए ये आपका एनिमल किंगडम का चैप्टर खत्म हो गया है एक बच्चा पूछ रहा है मैम सेकंड क्या पूछ रहे हैं मैम प्लीज रिप्लाई मी वन बैच कंप्यूटर प्लस एनवायरनमेंट स्पेस टेक्नोलॉजी बनवा दीजिए जिससे जीके का सेक्शन कवर हो जाए कंप्यूटर का बैच आ चुका है ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता देती हूँ हाँ एक बता देती हूँ मैं एक क्वेश्चन और आता है आपसे पूछे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मैमल कौन सा है सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव कौन सा है आप बताओगे ह्यूमन बींग्स सबसे ज्यादा मतलब जिनका ब्रेन सबसे ज्यादा डेवलप्ड होता है जिनमें सबसे ज्यादा दिमाग होता है या जिनका दिमाग बहुत जल्दी काम करता है वो कौन से होते हैं आप क्या बताएंगे वो ह्यूमन बींग्स होते हैं आप पूछे कि मनुष्य के बाद सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मैमल्स कौन सा होते हैं सेकंड इंटेलिजेंट मैमल या एनिमल पूछ ले आपसे ऐसे करके पूछ ले आप इसका आंसर दोगे डॉल्फिन हमारे बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का ब्रेन डेवलप्ड होता है तो वो डॉल्फिन होता है ठीक है हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसके बाद डॉल्फिन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है किस किंगडम में मैमल्स किंगडम में किस किंगडम में मैमल्स किंगडम में दो क्वेश्चन आपसे ऐसे करके भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं ठीक है चलिए कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं जो मैंने आपको बता दिया है चलिए बेटा लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट कॉर्डेटा में व्हेल फिश आती है ठीक है चलिए अब कुछ बच्चे हैं यहां पर जो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि मैथ्स का बैच तो मैथ्स का बैच ऑलरेडी आ चुका है अजय राणा सर का आप उसको परचेज कर सकते हैं कंप्यूटर का बैच 1 अगस्त को स्टार्ट होगा जिनमें बैंकिंग में जो जीए आता है और कंप्यूटर उसका साथ में एक बार बैच आया है एक साथ ठीक है चलिए ये आपको इतना पढ़ना है किसके अंदर तो एनिमल किंगडम में अब नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है जल्दी से निकालिए आपको मैंने करवाया था स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया था राइट तो स्केलेटल सिस्टम में मैंने कुछ चीजें छोड़ दी थी जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी और स्केलेटल सिस्टम में मैंने आपको मसल्स के बारे में नहीं पढ़ाया था तो आज हमारा जो चैप्टर है छोटा सा चैप्टर है 10 क्वेश्चन बनते हैं टोटल मस्कुलर सिस्टम से 10 क्वेश्चन बनते हैं और 10 का 10 क्वेश्चन मैं आपको आज बता दूंगी कोई भी एग्जाम तो मसल से इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है तो जल्दी से हम पहले पढ़ ले मसल्स के बारे में उसके बाद मैंने कुछ जॉइंट्स पढ़ाने हैं क्योंकि जॉइंट्स से बहुत रेयर क्वेश्चन आते नहीं है बहुत ही रेयर आते हैं तो वो भी मेरे को आज पढ़ाने हैं आपको ठीक है मैंने बता दिया है ऑलरेडी आगे और पीछे दोनों की साइड जो देख के चलता है वो हमिंग बर्ड ही होता है ठीक है चलिए तो मसल्स ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते बहुत लेस वेटेज वाले चैप्टर होते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो आ जाते हैं कभी कभी और इसके अलावा जॉइंट्स पढ़ाना है मुझे तो आज की क्लास में आपके जॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे मसल्स कंप्लीट हो जाएंगी देन आपका जूलॉजी में एक चैप्टर बचेगा वो है ब्रेन और ब्रेन जो एनटीपीसी वाले बच्चे हैं उनको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ ब्रेन और साइंस स्पेशल वाले बच्चों को ब्रेन नहीं पढ़ाया है तो उनको मैं ब्रेन पढ़ा दूंगी ठीक है चलिए आज आपका जूलॉजी कंप्लीट हो जाएगा कल से मैं इस बैच में बॉटनी स्टार्ट करूंगी जब बॉटनी कंप्लीट हो जाएगा तो जो आपकी बची हुई केमिस्ट्री की क्लास है 3 या 4 क्लास तो वो मैं आपको केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ाऊंगी ठीक है चलिए मसल्स जिसको मांसपेशी सबसे पहला और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी मसल्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है मायोलॉजी कहलाता है और जो डॉक्टर होते हैं मसल स्पेशलिस्ट उन डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं मायोलॉजिस्ट बोलते हैं यस रवि कुमार आपका आंसर है यस ठीक है
यतेंद्र सिंह कह रहे हैं मैम आप अपना कांटेक्ट नंबर दीजिए. क्यों दूं मैं आपको कांटेक्ट नंबर, क्या काम है आपको मुझसे, आप बताइए प्लीज यहीं पर क्या काम है आपको, क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, चलिए देखिए मसल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, मायोलॉजी. टू स्टडी अबाउट मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी. और अगर आप मायोलॉजी में सी लगा दोगे, माइकोलॉजी कर दोगे, तो वो किसकी स्टडी बन जाती है, वो फंजाई या वो फंगस या वो कवक की स्टडी बन जाती है. इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा. ठीक है, ये होता है सी लग जाएगा तो फंगस की, और सी नहीं लगेगा तो वो मसल्स की स्टडी बन जाता है. नेक्स्ट आप याद रखोगे मसल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के वीकेस्ट टिश्यू होते हैं, सबसे कमजोर उत्तक होते हैं. क्या होते हैं मसल्स? हमारे बॉडी के कमजोर उत्तक होते हैं. उसके अलावा आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि हमारे बॉडी का जो अप्रोक्स 50% वेट होता है, अप्रोक्स 50% बॉडी वेट, अप्रोक्स 50% बॉडी वेट इज ड्यू टू मसल्स. कहने का मतलब है हमारे शरीर का जो ऑलमोस्ट 50% बॉडी वेट है वो किसके कारण होता है, मसल्स के कारण होता है. कभी कभी ये आपसे पूछा जाता है. एनवायरमेंट का ये बैच नहीं है, यहाँ पे एनवायरमेंट नहीं पढ़ाया जाएगा. ठीक है, एनवायरमेंट का जो होता है बैच वो आप, एनवायरमेंट का अलग से बैच आएगा, या एक बैच चल भी रहा है अमन सर का ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, आप वहां से उसको परचेज कर सकते हैं. ठीक है, तो प्लीज आप जो अनवांटेड डिमांड है वो यहाँ पर मत कीजिए. ये साइंस का बैच है, यहाँ पर साइंस का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों ही पढ़ाए जाएंगे आपको. ठीक है, अब 100% तो मैं बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है. मैंने चाहे कितना ही पढ़ा दूं, आप लोग बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, आप लोगों को लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती है. ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, ये नहीं करा. मैंने बोला है कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो चैप्टर पूछे जाते हैं मैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगी, और वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ आई थिंक. तो मुझसे यहाँ पर अनवॉन्टेड डिमांड मत कीजिए प्लीज. एनवायरमेंट बहुत अलग, एनवायरमेंट साइंस ही अलग होता है, तो एनवायरमेंट साइंस आपको यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा. ना ही मैंने साइंस स्पेशल 1 में पढ़ाया, ना मैं 2 में पढ़ाऊंगी, ना मैं 3 में पढ़ाऊंगी. एनवायरमेंट का अलग से बैच आएगा, आप प्लीज वहां से पढ़ लीजिए. तो मुझसे अनवांटेड डिमांड मत कीजिए. कुछ बच्चे बोल रहे हैं जेनेटिक्स, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ जेनेटिक्स जो होती है कॉम्पिटिशन एग्जाम में जीन वगैरह डीएनए वगैरह न्यूक्लियस वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ. तो वो भी मुझसे बार बार डिमांड मत कीजिए फालतू. ठीक है, अब मैं खींचने को चाहे इस बैच को 1 साल तक खींच दूंगी, तो 1 साल तक खींचने से कोई फायदा नहीं है. आप लोगों को यहाँ पर पीएचडी नहीं करनी है, ना ही आप एमबीबीएस देने जा रहे हैं पेपर, आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए पढ़ना है. कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारा पढ़ा चुकी हूँ, और यही आपको पढ़ाया जाता है. मैम हार्मोन से क्वेश्चन आते हैं क्या? यस, शायद मैंने आपको पहला चैप्टर यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम करवाया था. एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या होता है? टू स्टडी अबाउट हार्मोन्स, तो इतने सारे हार्मोन्स पढ़ाए थे, तो आप वहां पढ़िए. ठीक है, चलिए तो आपसे पूछे कि हमारे बॉडी का जो 50% बॉडी वेट होता है वो किस ऑर्गन की वजह से होता है. आप बताओगे जो टिश्यूज होते हैं हमारे बॉडी में, और कौन से मसल्स वाले, उसकी वजह से होता है. ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछे मसल्स का कलर कैसा होता है. आप बताओगे मसल, अच्छा इसको मैं स्टार कर रही हूं क्योंकि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन. ब्रेन आता है तो मैं बता चुकी हूं, ब्रेन में पढ़ाऊंगी आपको. देवल गुप्ता, क्या आपको समझ में नहीं आती है लैंग्वेज? ब्रेन आता तो मैंने पढ़ाया है कि ब्रेन में पढ़ा चुकी हूँ एक क्लास में, और अगर मैंने यहाँ पर भी पढ़ाया है मुझे याद आ रहा है, और अगर नहीं पढ़ाया तो आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, उसकी वीडियो मैं अपलोड करवा दूंगी, आपको वीडियो मिल जाएगी, डोंट वरी. ठीक है, यहाँ पर फालतू की बकवास मत कीजिए आप. आपको अगर सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो आप मुझे मत यहाँ पर मुझे मत सिखाइए. आप ये पढ़ाइए, वो पढ़ाइए. अरे भैया यहाँ पर मैं तुम लोगों को यहाँ पर पीएचडी करवाने थोड़ी ना आई हूँ. ऑलरेडी आज कितने नंबर की क्लास है? आज शायद मुझे लगता है कितने नंबर की क्लास है आज? कम से कम नहीं करें तो मैंने आप लोगों को 50-60 घंटे की बायो पढ़ा दी है. इससे ज्यादा कहीं नहीं पढ़ाया जाता है साइंस, आप प्लीज याद रखिएगा. देखिए क्वेश्चन आता है कि जो मसल्स होती हैं वो किस कलर की होती हैं. आज 24 नंबर की क्लास है, 24 का मतलब 48 आवर्स का आप ऑलरेडी बायोलॉजी पढ़ चुके हैं, और अभी भी 10 घंटे का, कम से कम 8 से 10 घंटे का आपका बोटनी भी बाकी है. यार ऐसे क्या मैंने को मतलब कोई पूरी साल बैच चलाऊं क्या? ये पूरी साल पढ़ाया जाएगा क्या बैच? आप खुद सोच के देखिए, कुछ हमारी भी लिमिटेशंस हैं.
हमारे भी रूल्स एंड रेगुलेशन है. आप लोग अगर नहीं समझ सकते, नहीं कॉपरेट कर सकते तो प्लीज. कैसी बातें करते हैं आप? ये एनवायरमेंट भी पढ़ा दीजिए, आप जेनेटिक्स भी पढ़ा दीजिए. जेनेटिक्स एक साइंस का अलग से ब्रांच है, और जितना जेनेटिक्स पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, वो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. डीएनए से क्वेश्चन आते हैं, न्यूक्लियस से क्वेश्चन आते हैं, मैं सब पढ़ा चुकी हूँ. जीन के बारे में पढ़ा चुकी हूँ. क्रोमोजोम्स आते हैं, क्रोमोजोम्स के बारे में पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको ऑलरेडी. तो यही तो क्वेश्चन बनते हैं जेनेटिक्स से, और क्या बनते हैं जेनेटिक्स से क्वेश्चन? अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं भगवान नहीं हूं, और भगवान से भी दुनिया दुखी है. कुछ अपने आप से भी पढ़ लीजिए प्लीज. देखिए, मसल्स पूरा मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाया आपको, साइटोलॉजी पूरा पढ़ाया मैंने आपको, पूरे के पूरे मैंने आपको जितना पढ़ा सकती थी मैंने अपना 100% दिया. अब भी बच्चे देखो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये होगा नहीं होगा, टाइम्स कोचिंग वाले ट्रस्ट तोड़ देते हैं, फालतू बकवास करने लग जाते हैं यहाँ पर आके. कैसी बातें करते हैं यार आप लोग? आप लोग ऑफिसर बनने जा रहे हैं, एटिकेट्स भी ऑफिसर जैसे होने चाहिए. देखिए, जब मसल्स होती हैं वो किस कलर की होती हैं? आप बताओगे मसल्स रेड कलर की होती हैं. अब मैंने आपको एक पॉइंट बोला है कि जब 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 आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लाल कलर किसकी वजह से होता है, येलो कलर किसकी वजह से होता है, तो उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? पिगमेंट. तो आपसे पूछेगा कि जो मसल्स का रेड कलर होता है वो किस पिगमेंट की प्रेजेंस से होता है? आप बताओगे हमारी मसल्स में मायोग्लोबिन करके एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारी मसल्स का कलर कैसा होता है? तो रेड होता है. याद कीजिए, एक मैंने पढ़ाया था हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में ये ग्लोबिन मैंने क्या पढ़ाया था? प्रोटीन. और ये किस कलर का प्रोटीन होता है? रेड कलर का. इसीलिए हमारा ब्लड भी किस कलर का था? रेड कलर का. ऐसे ही यहां पर जो ग्लोबिन प्रोटीन है ये कौन सा कलर देता है? रेड कलर. तो हमारी मसल्स का कलर कैसा हो गया? तो आप बताएंगे हमारी मसल्स का रेड कलर किसका कैसा हो गया, किस पिगमेंट की वजह से? इज ड्यू टू मायोग्लोबिन पिगमेंट. इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो ह्यूमन की मसल्स होती हैं जो रेड कलर की होती हैं वो किस पिगमेंट की वजह से होती हैं? आप क्या बताएंगे? इज ड्यू टू मायोग्लोबिन पिगमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि जो मसल्स हैं हम पढ़ रहे हैं इनका काम क्या होता है? तो मसल्स का काम होता है हमारे बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर हलचल होती हैं, जो मूवमेंट होता है वो कौन करवाता है? वो मसल्स करवाती हैं. जैसे मैंने आपको मैंने अपना हाथ इस डायरेक्शन में मूव किया तो मेरे हाथ में हड्डियां भी हैं और मेरे हाथ में मसल्स भी हैं. तो हड्डियां कभी भी मूवमेंट नहीं करती हैं. एक बात याद रखिएगा, जो हड्डियां होती हैं वो जहां पर होती हैं वहां फिक्स होती हैं. हड्डी कभी भी मूवमेंट नहीं करती हैं. मूवमेंट कौन करवाती हैं? मसल्स, मांसपेशियां करवाती हैं. जैसे मैं इस डायरेक्शन में ऐसे मुड़ी तो मेरी जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस हुआ, वो मसल्स ने मूवमेंट करवाया. आपसे पूछे मांसपेशियों का काम क्या होता है तो आप बोलेंगे मांसपेशियों का काम होता है मूवमेंट करवाना. हमारे बॉडी में जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी होती है, आपने उठे, आप बैठ गए, आप खड़े हुए, आप डांस कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप जॉगिंग कर रहे हैं, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज हैं तो वो सब कौन करवाते हैं? वो मसल्स करवाते हैं. तो मसल्स का काम क्या होता है? बॉडी मूवमेंट, या मैंने लिख दिया यहां पर मूवमेंट का काम होता है. मसल्स के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? आप बताएंगे मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है. कहने का मतलब है मसल्स के अंदर संकुचन और शिथिलन का प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू वो क्या करती हैं? जिसके थ्रू वो क्या कर देती हैं? मूवमेंट कर देती हैं. मूवमेंट. आपसे पूछे मसल्स में मूवमेंट कौन कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है? आप क्या बताएंगे कि हाँ, एक हिमांशु चौरसिया मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि जो मूव करने वाली बोन होती है वो होती है आपकी पटेला, जो घुटने के अंदर होती है, जिसको आप पकड़ोगे तो ही वो मूव करेगी. ऐसे मूव नहीं करेगी, आप जब इस हड्डी को हिलाओगे तो ही वो मूव करेगी. ठीक है, तो मूव करने वाली हड्डियां नहीं होती बेटा, वो मसल्स होती हैं. और मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है. जैसे अभी मैंने ऐसे हाथ को इस डायरेक्शन में मूव किया तो मेरी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुई पहले मसल, फिर रिलैक्स हुई. और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स होने के लिए जो एटीपी खर्च हुई
हुई है और जो एटीपी खर्च हुई है उसी एनर्जी से हम क्या करते हैं, मूवमेंट का प्रोसेस करते हैं। कैसे करते हैं? हमारी मसल्स के अंदर एटीपी होता है और एटीपी क्या होता है मैम, एनर्जी होता है। तो जैसे ही हमारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होगा उसके थ्रू हमारी मांसपेशियों में जो एनर्जी है वो खर्च होगी और उसके थ्रू क्या हो जाएगा, उसके थ्रू हमारा मूवमेंट का प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर है? आपसे पूछे मसल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, मायोलॉजी। मसल्स सबसे वीक टिश्यू होते हैं, हमारे बॉडी का अप्रोक्स 50% वेट है वो मसल्स के कारण ही होता है। ये सब क्या है, ये हमारा मास है, हमारी स्किन की आउटर लेयर किसकी बनी हुई है, मास की बनी हुई है। मास ही क्या होता है हमारा, मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है। ठीक है, मसल्स किस कलर की, लाल कलर की, कौन से पिगमेंट की वजह से, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन में ग्लोबिन क्या है, लाल कलर वाला प्रोटीन। मसल्स का काम बॉडी मूवमेंट या जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं वो सारी हमारी मसल्स के अंदर एटीपी एनर्जी होता है और उस एनर्जी को खर्च करके, उस एनर्जी को इन्वेस्ट करके, खर्च करके हम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन की प्रोसेस कर पाते हैं जिसके थ्रू हम मूवमेंट कर पाते हैं। तो अगर किसी की मसल्स काम करना बंद कर देंगी तो उस इंसान को पैरालिसिस हो जाएगा, उसको लकवा हो जाएगा और वो इंसान कभी भी मूव नहीं कर पाएगा। और ये जो मसल्स में किस डायरेक्शन में कितना मूव करना है तो वो सिग्नल कॉल लेकर जाते हैं, तो वो हमारे न्यूरोन हमारे ब्रेन के पास सिग्नल ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो अगर ये न्यूरॉन्स या हमारी मसल्स काम करना बंद कर देती हैं तो क्या हो जाता है मैम, हमारे बॉडी में पोस्चर वगैरह, जो बॉडी के पोस्चर हैं, जो बॉडी में मूवमेंट की प्रोसेस है वो सब क्या हो जाती है मैम, खत्म हो जाती है। इसके अलावा जो हमारी मसल्स हैं उनका एक काम और होता है, मसल्स प्रोटेक्ट करती हैं किसको, तो हमारी बोन्स को और हमारे जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। कैसे, देखो मान लो ये आपकी एक हड्डी है, इस हड्डी के बाहर आपके ऐसे मसल्स लगी हुई है, तो मसल्स बहुत सारा इसके ऊपर ऐसे ऐसे मांस लगा हुआ है, मसल्स लगी हुई है, तो इस हड्डी को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। तो मसल्स का काम एक तो मूवमेंट, मूवमेंट के साथ साथ मैम ये हमारे ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्शन देती हैं और ऑर्गन्स में मेनली जो हमारे बोन्स और जॉइंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, तो इट प्रोटेक्ट्स बोन्स एंड जॉइंट्स। यह हमारे हड्डियों और हमारे जो हड्डियां और जो जॉइंट्स होती हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार बनाकर लिख रही हूं, स्टार का मतलब है ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आते हैं कि मांसपेशियों के निर्माण में कौन सा मिनरल हेल्पफुल होता है, आप बताएंगे मैग्नीशियम मिनरल एमजी। एमजी का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम इज हेल्पफुल, इज हेल्पफुल इन इन फॉर्मेशन ऑफ, इन फॉर्मेशन ऑफ मसल्स, इन फॉर्मेशन ऑफ मसल्स। हिंदी में क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम खनिज पदार्थ एमजी, खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ मांसपेशियों के निर्माण में सहायक हैं, मांसपेशियों के निर्माण में सहायक है। अब आपको ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा ह्यूमन बॉडी में मैग्नीशियम कहाँ होता है, आप क्या बताओगे, ह्यूमन बॉडी में मैग्नीशियम उसकी मसल्स में होता है, मसल्स में होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए ये बता देंगे। नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि जो सल्फर और फॉस्फोरस होते हैं, एस एंड पी, सल्फर एंड फॉस्फोरस मैंने सिंबल लिखे हैं यहां पे, आप याद रखिएगा, सल्फर एंड फॉस्फोरस मिनरल्स, मिनरल्स आर हेल्पफुल इन मसल्स मूवमेंट, इन मसल्स मूवमेंट। कहने का मतलब है कि जो सल्फर और जो फॉस्फोरस होते हैं वो मांसपेशियों के मूवमेंट में सहायक होते हैं। अगर आपसे पूछे कि कौन सा मिनरल मसल्स के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, आप क्या बताओगे, दैट इज मैग्नीशियम। और आपसे पूछे कौन कौन से मिनरल मसल्स मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं, आप क्या बताओगे, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ये भी आपके दोनों अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, किससे, तो मसल से। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, ये तो मैंने मिनरल की बात की है, अब अगर मैं बात करूं यहां पर प्रोटीन की,
क्वेश्चन आते हैं कि ह्यूमन की मसल्स में कौन से प्रोटीन होते हैं, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं जो मसल्स मूवमेंट का काम करवाते हैं। ये तो मिनरल थे, ऊपर वाले खनिज पदार्थ थे। आपको अगर प्रोटीन का पूछा जाए तो आप बताओगे दो प्रोटीन होते हैं, नंबर वन इज एक्टिन एंड नंबर टू इज मायोसिन प्रोटीन। इनको क्या टर्म दिया जाता है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। एग्जाम में आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से मिनरल मसल्स मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं, सल्फर एंड फॉस्फोरस, कौन कौन से प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, कौन कौन से एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, ये सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात आती है कि मसल्स जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, मसल्स कितने टाइप की होती हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि जो हमारे बॉडी में मसल्स हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, थ्री टाइप्स ऑफ ह्यूमन मसल्स। कभी कभी इनके नाम पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, ये भी आपको याद करना है। हाँ, फॉस्फोरस 32 भी हेल्पफुल होता है कैंसर ट्रीटमेंट में। कैंसर कहाँ का, तो ब्लड का कैंसर, ठीक है, जो कैल्शियम वगैरह से ज़्यादा बना हुआ कैंसर। जो हमारी मसल्स होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं, कौन कौन सी। सबसे पहली मैं यहाँ पर लिख रही हूँ स्केलेटन मसल, सबसे पहले आती हैं स्केलेटन मसल। अब आपका ये सोच लो स्केलेटन का मतलब है कंकाल तंत्र, तो कंकाल वाली मांसपेशियां, ऐसे नहीं होती हैं, ठीक है, स्केलेटन मसल। दूसरी कौन सी आती है, तो आप बताओगे दूसरी यहां पर होती है कार्डियक मसल। कार्डियक टर्म का मतलब आप सबको पता है, कार्डियक टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं, हार्ट के लिए, हार्ट के लिए, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हृदय पेशियां या हृदय की मांसपेशियां, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है कंकाल पेशियां, बट यहां पर कंकाल तंत्र नहीं है, यहां पर इसको कंकाल पेशियां बोलेंगे, ठीक है। और तीन नंबर पे आती हैं, यहां पर तीन नंबर की अगर मांसपेशी पूछे तो आप बोलोगे स्मूथ मसल्स। कुछ मसल्स होती हैं बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, बहुत ज्यादा स्मूथ होती हैं, जिनको हम बोलते हैं चिकनी मांसपेशियां, चिकनी मांसपेशियां। तो मसल्स कितने टाइप की होती हैं, तीन टाइप की। मसल्स का काम क्या होता है मैम, जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो सारे मूवमेंट की वजह से, वो मूवमेंट कौन करवाता है, मसल्स करवाते हैं। उस मूवमेंट में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन होते हैं। और मसल्स के पास एटीपी एनर्जी होता है, और उस एटीपी को खर्च करके वो क्या बनाता है, मूवमेंट का प्रोसेस करवाता है, ठीक है। चलिए, तो ये कौन से होती है, एसएससी, ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, एसएससी, एसएससी का एग्जाम देते हैं ना हम, वैसे हो गया, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में चार ऑप्शन देगा, पूछेगा इनमें से कौन सी मसल्स नहीं है, तो आपको याद करना पड़ेगा हमारे बॉडी में तीन टाइप की मसल्स होती हैं, कौन कौन सी, स्केलेटल मसल, उसके बाद कार्डियक मसल, उसके बाद स्मूथ मसल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब बात आती है स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं और ये कहाँ पे होती हैं। कार्डियक मसल्स क्या होती हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को मुझे बताने की जरूरत है कि कार्डियक मसल्स क्या होती हैं। सब जानते हैं कार्डियक मसल्स किस कहाँ पर होती हैं, हार्ट के अंदर होती हैं, ठीक है। पहले एक पॉइंट याद रखो, ये जो कार्डियक और जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो दोनों होती हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। अब इनवॉलेंट्री मसल्स का मतलब क्या होता है, ये अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं। अनैच्छिक का मतलब है ऐसी मांसपेशियां जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये अपने आप अपने अकॉर्डिंग काम करती हैं, आप कभी भी इनको रोक नहीं सकते। अनैच्छिक, अनैच्छिक मसल, अनैच्छिक का मतलब क्या होता है, जो अपनी इच्छा से चलते, हमारी इच्छा से नहीं, जो अपनी इच्छा से काम करे, जिसको आप कंट्रोल ना कर पाओ, उसको बोलते हैं क्या, इनवॉलेंट्री मसल्स, अनैच्छिक। और जो स्केलेटल मसल होती हैं वो होती हैं नेचर में कैसी, वॉलेंट्री। और वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, ऐच्छिक। कहने का मतलब है कि इनको अपने अपने अकॉर्डिंग हम इनमें मूवमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। कैसे,
आपको मैंने बताया था हार्ट, हार्ट का काम क्या होता है मैम, आपने पढ़ाया था हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, और हार्ट के अंदर मसल्स होती हैं, और हार्ट के अंदर जो मसल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल बोलते हैं, और हार्ट हमारा पंप करता है। क्या हार्ट पंप करने का मतलब क्या है, हार्ट की मांसपेशी क्या होती है, एक बार सिकुड़ती हैं, एक बार रिलैक्स करती हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक बार रिलैक्स करती हैं, तो हार्ट पंप करता है। क्या आप अपने हार्ट की पंपिंग को रोक सकते हो, क्या आप ये बोल सकते हो कि हार्ट एक महीने एक आप एक एक घंटे रुक जाओ, एक घंटे बाद अभी मैं थक गया हूं, अभी तू भी एक घंटे आप पंपिंग छोड़ दे, एक घंटे बाद काम स्टार्ट करना, क्या कभी ऐसा हो सकता है, क्या अभी इसको आप रोक सकते हो, नहीं रोक सकते। ऐसे ही स्मूथ मसल्स कहां होती हैं, तो ये ऐसे ऐसी कुछ आंख जैसी स्ट्रक्चर की होती है, ऐसी बनी हुई, बहुत स्मूथ होती हैं, बहुत चिकनी होती हैं। ये कहाँ होती हैं तो मैं बता देती हूँ, ये हमारे पेट के अंदर होती हैं, ये हमारे स्टमक और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उनके जो पाइप है ये उन मसल्स की बनी हुई होती है, ठीक है। हमारा फूड पाइप में भी यही होता है, मैंने बताया था ना फूड पाइप में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, मूवमेंट कौन करवाता है, मसल्स करवाती हैं। आपने खाना खाया, अब आपको पता भी नहीं लगता कि कब डाइजेशन होता है, कब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, कब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं, इस पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और वो स्मूथ मसल्स अपनी इच्छा से काम करती हैं, वो हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं, वो अपनी इच्छा से काम करती हैं, ठीक है। तो आप बताए याद रखेंगे कि जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम वाले ऑर्गन्स होते हैं, लाइक फूड पाइप हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, इनके अंदर जो मसल्स होती हैं वो स्मूथ मसल्स होती हैं, जो आंख की जैसी बहुत सॉफ्ट, बहुत चिकनी सी होती हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, जो अपने अकॉर्डिंग काम करती रहती हैं। तो और हार्ट के अंदर होती हैं, वो भी इनवॉलेंट्री होती हैं, बट जो स्केलेटल मसल होती हैं वो क्या होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं। इनके अंदर हमें मूवमेंट करवाना होता है, इनके अंदर हमें मूवमेंट करवाना होता है, तब जाकर ये क्या करती हैं, मूव करती हैं, इनमें मूवमेंट का प्रोसेस होता है। अब क्यों होता है, उसका रीजन सुनो। देखो जो स्केलेटल मसल होती हैं उसके अंदर क्या होता है, इस स्केलेटल मसल के अंदर एक जो हड्डी है, एक हड्डी जो है वो मसल के साथ जुड़ी हुई होती है। स्केलेटल के अंदर क्या होता है, एक हड्डी एक मसल के साथ जुड़ी हुई है, मसल्स में मूवमेंट होगा, हड्डी में होगा नहीं, तो ये वॉलेंट्री होती है। जबकि इन दोनों में क्या होते हैं, यहां पर मसल प्लस मसल होती हैं, ये आपस में मांसपेशियां अटैच्ड रहती हैं बहुत सारी, तो यहां पर क्या हो जाता है, मूवमेंट हो जाता है अपने आप बताओगे। अब ये स्केलेटल मसल कहां होती है, ये हमारे नेक वाले एरिया में होती हैं, ये हमारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स में होती हैं, जैसे मेरी मुंडी ऐसी ऐसी थी, अभी मैं जब इसको मूव करवाऊंगी तभी तो ये मूव हो रही है, अपने आप थोड़ी ना हो रही है, ऐसा हो कि मैं तुमको पढ़ा रही हूँ मेरी मुंडी मूव कर रही हो अपने आप, मेरी ये नेक है उसे मूवमेंट हो रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसमें कौन सी मसल्स होंगी, इसमें मसल्स प्लस बोन्स के जॉइंट होंगे, इसीलिए हम इनको स्केलेटल मसल बोलते हैं। तो ये स्केलेटल मसल के एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो ये कहां पर होती है, हमारे नेक में, हमारे गर्दन वाले हिस्से में। और आप क्या बोल सकते हो, मैंने अपने हाथ का, ये बाइसेप्स है मेरे, ये मेरा ह्यूमेरस है, मैंने इसको मूव करवाया इस डायरेक्शन में तभी तो इसमें मूवमेंट हुआ, ऐसा थोड़ी ना मैं आपसे बात कर रही हूं ये हाथ अपने आप ऐसे मूव कर रहा हो, तो ये बाइसेप्स में यही होती है। और हमारे जो ट्राइसेप्स होते हैं उनमें भी कौन सी होती है, तो आप बताओगे स्केलेटल मसल होती है। इन टोटली जो फिजिकल एक्टिविटी करने में जितनी भी मसल्स काम आती हैं उन सबको हम स्केलेटल मसल का नाम देते हैं। तो आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, जो भौतिक क्रियाएं होती हैं, तो वो कौन सी मसल करवाती है, आप क्या बताओगे कि वो कौन सी मसल करवाती है, स्केलेटल मसल करवाती है। कहाँ होती है, हमारी गर्दन में, हमारे हाथ में, हमारे बाइसेप्स, हमारे ट्राइसेप्स, ये सब क्या करवाते हैं, ये अपनी इच्छा से मूव करते हैं। अब मैं जब बैठूंगी, जब मेरा मन करेगा तो मैंने बैठी, जब मैं बैठी नीचे बैठ गई मैं फर्श पे, तो जब मैं बैठी तो मेरी क्या हुई, ट्राइसेप्स फोल्ड करी, उनमें मूवमेंट हुआ, है ना। तो आप याद रखिए कि इन सब जो फिजिकल एक्टिविटी करने में जो मसल्स काम आती हैं वो हमेशा कौन सी आती है, वो स्केलेटल मसल्स काम आती हैं, और जो हार्ट में होती है वो कार्डियक मसल्स होती हैं, और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में या स्टमक वाले पार्ट में काम आती हैं, जो स्मूथ मसल्स होती हैं, जो फ्लेक्सिबल होती हैं, जिनमें ऑटोमेटिकली अपने अपने इच्छा से काम करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मसल्स। बताइए किसी को कोई डाउट हो यहां तक, ये तीन टाइप की मसल्स होती हैं, ये आपको याद करना है, ठीक है। चलिए
अब बात आती है कि ह्यूमन बॉडी में मसल्स होती कितनी हैं और हमें कैसे उस बात का आंसर देना है। क्वेश्चन आता है ह्यूमन बॉडी में टोटल मसल्स कितनी होती है। बहुत सारी बुक में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए, इनफैक्ट आपके एग्जामिनर भी अलग अलग टाइम पर अलग अलग ऑप्शन को सही करता है। बट आज मैं आपका ये फंडा क्लियर कर देती हूँ कि आपको कैसे आंसर देना है। आपसे पूछे हमारे बॉडी में कितनी मसल्स होती हैं, कितनी मांसपेशियां होती हैं, अगर आपसे पूछा जाए बच्चे में कितनी है, आप आंसर देंगे मोर देन 700, 700 से ज्यादा बता देंगे। एक बच्चे ने आंसर दिया 639, एक ने बोला है 630, एक ने बोला है हाँ जो एपिथेलियल लेयर होती है वो भी स्मूथ मसल्स की होती है। यस यू आर राइट, जो किडनी में होते हैं एपिथेलियल ब्रस्ट के जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई होती है और स्टमक के अंदर होती है इनर लाइनिंग, उनमें भी यही होती है। ठीक है, देखिए बच्चे में कितनी होती है, आप आंसर दोगे मोर देन 700। बट अगर आप अडल्ट की बात कर रहे हैं तो अडल्ट में मैं आपको बता दूं टोटल मसल्स का आप ऑप्शन कौन कौन सा लेकर चलेंगे। देखिए अडल्ट में कैसे होती हैं, अडल्ट में जो 320 कुछ मसल्स होती हैं जो पेयर्स में होती हैं, जो जोड़ियों में होती हैं, पेयर्स का मतलब है दो सेम, तो हमारे बॉडी में 320 पेयर तो मसल्स के होते हैं। अगर पेयर्स में 320 तो टोटल कितनी हो गई मैम, 640 हो गई। अब पेयर्स का मतलब क्या है, एक मेरे बाइसेप में यहां मसल है, एक मेरे यहां है, एक मेरे इस ह्यूमेरिस में यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक ही उंगली में, एक ही उंगली में, इस एक ही उंगली में, एक ही उंगली में, तो ये पेयर्स वाली होती हैं जो जोड़ियों में होती हैं। तो आप बताएंगे जोड़ियों में कितनी होती हैं अगर पूछी जाए। देखो आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, आपसे पूछे कि ह्यूमन बॉडी में कितनी मांसपेशियों के कितने जोड़े होते हैं, कितने पेयर्स ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर्स मसल्स होती हैं, आप बताएंगे 320 पेयर्स होती हैं और टोटल कितनी होती है 640। कभी कभी बुक्स में दिया होता है 639 ऑप्शन, या आपका एग्जामिनर भी 639 को ऑप्शन ही सही मानता है, कभी कभी आप इसको भी सही कर सकते हो। अब आपको ऑप्शन से आंसर देना है यहां पर, ना मैं गलत हूं ना कोई और बुक गलत है, बट मैं एक बुक है जो एमबीबीएस में हमें पढ़ाते थे टीचर, मैं उसी बुक को फॉलो करती हूँ हमेशा, GNG करके नाम बुक आती है उसी को मैं हमेशा पढ़ती हूँ, तो उसमें जो लिखा हुआ होता है वही मैं आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो पेयर्स में कितनी होती है 640। आप क्वेश्चन पूछे कि अनपेयर्ड मसल्स कितनी होती हैं, जो जोड़ियों में नहीं होती हैं, आप बताओगे वो 16 होती हैं, वो कितनी होती हैं 16 होती हैं। आप 16 जो एक सिंगल मसल है, सिंगल इनको सिंगल मांसपेशी बोल सकते हैं, कहने का मतलब है जो जोड़ियों में नहीं है सिंगल। कैसे मैम, जैसे मैंने बोला मेरी नाक तो मेरे एक ही है ना, तो इसमें एक ही मसल होगी, पेयर में तो होगी नहीं है ना, तो ये क्या होगी 16। अब अगर 640 और 616 प्लस करोगे तो कितनी हो जाएंगी 656। तो कुछ बुक्स में आपको दे रखा होता है 656 होती हैं। ठीक है, जैसे ल्यूसेंट, जैसे वो नीले कलर की आप बुक पढ़ते हो, गत्ते की, नीले कलर की गत्ते की बुक पढ़ते हो, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा 656। तो वो भाई साहब कैसे चल रहे हैं, वो भाई साहब लूसेंट वाले 640 प्लस 16 को प्लस करके चल रहे हैं, बट उन भाई साहब को ये नहीं पता कि इस पेयर्ड और अनपेयर्ड के अलावा भी कुछ छोटी छोटी मसल्स होती हैं, बहुत टीनी मसल्स जिनको बोलते हैं, बहुत स्मॉल मसल्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी मांसपेशियां होती हैं, और ये कितनी होती हैं तो आप बताओगे ये 14 होती हैं। कितनी होती हैं तो आप बताओगे, सॉरी 44 होती हैं, ये कितनी होती हैं 44, और जब 44 656 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 700। तो कभी कभी आपको बुक्स में ऐसे 700 का ऑप्शन मिलेगा। अब बताइए आपके पास, आपको ऑप्शन से ही आंसर देना पड़ेगा। अगर वो 700 पूछ रहा है तो 700 का मतलब है वो टोटल मसल्स पूछ रहा है, जिसमें आपकी पेयर्ड वाली कितनी है 320 पेयर 640, तो कभी कभी ऑप्शन में 640 होते हैं, देख लीजिए। उसके बाद अनपेयर्ड में कितनी होती है, आप बताओगे 16 मांसपेशी अनपेयर्ड में होती है, जो जोड़ियों में नहीं होती है, मेल और फीमेल में डिफरेंस नहीं होता है मांसपेशी में, सेम होती है, बहुत छोटी छोटी मसल्स होती हैं, लाइक हमारे हार्ट के अंदर इतनी छोटी छोटी मसल्स होती हैं कि जब डॉक्टर कोई ऑपरेशन वगैरह, कोई थेरेपी वगैरह करते हैं तो डॉक्टरों को भी नहीं मिल पाती वो मांसपेशी, इतनी छोटी मसल्स होती हैं, तो वो कितनी होती है 44।
और जब इन तीनों को प्लस करोगे कितनी 700। तो ह्यूमन बॉडी में कितनी मसल्स होती हैं 700। बट ऐसा कहा जाता है जब आप अडल्ट हो जाते हैं, मतलब बच्चे थे तो आप में 700 थी, बट जब आप छोटे 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 बच्चे थे आप में 700 थी, बाद में क्या होती है ये सारी की सारी छोटी छोटी जो होती है वो आपस में जुड़कर कितनी बना लेती है 639 बना लेती है। तो इसलिए कभी कभी बुक्स में 639 दिया हुआ होता है। अब आपको जैसे भी ऑप्शन मिले आपको सही करना है, ठीक है। आप जब बच्चे थे तो ऐसे 700 थी, बट जब आप अडल्ट हो गए तो ये आपस में जुड़ जाती हैं, कुछ छोटी होती हैं वो, और वो फाइनली कितनी बनाती हैं 639 बनाती हैं। डिपेंड ऑन ऑप्शन, टोटली डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, ठीक है। ऐसे आपको आंसर देना है, ठीक है, हो गया। चलिए ये हो गया मसल्स कितनी होती है। अब आपको वही स्टार करके पॉइंट्स लिखने, क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी, सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी, और सबसे वीकेस्ट कौन सी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी, ऐसे आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, आप ऑप्शन देख के ही टिक करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट मसल कौन सी है। सबसे पहला आप लिखेंगे लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, आप पूरा लिखिएगा लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, मैंने सिर्फ लार्जेस्ट मसल लिखा है। सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे बड़ी मांसपेशी, ये ध्यान से सुनिएगा, और जैसे भी नाम है आपको नाम याद करने पड़ेंगे, मैं अपने घर से बनाकर नहीं लाई हूं। आपसे पूछे कि लार्जेस्ट मांसपेशी जो होती है वो कहां होती है, आप बताएंगे कि सब लार्जेस्ट मांसपेशी होती है वो हमारी हिप में होती है, हिप मसल होती है, हिप का, हिप में, हिप को हिंदी में नितंब बोलते हैं, नितंब, ठीक है। अब हिप के अंदर कौन सी होती है इसका नाम आप बताएंगे, और सॉरी ये रब हो गया मुझसे, कहाँ से, अच्छा हो जाता है यहाँ से, ठीक है। देखिए आप बताएंगे हमारे जो हिप्स होते हैं उनके अंदर जो मसल्स होती है वो लार्जेस्ट होती है। यहाँ पर फीमर, चंदन कुमार राय, फीमर क्या होता है, एक हड्डी होता है, और मैं किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, मसल की बात कर रही हूँ। अब कैसी बातें करते हैं यार, इसका नाम होता है मैक्सिमस ग्लूटियस, इसका नाम लिखेंगे आप मैक्सिमस ग्लूटियस। सबसे बड़ी मांसपेशी पूछे तो मैक्सिमस ग्लूटियस एक मांसपेशी का नाम है, ठीक है, कहाँ होती है, हिप में होती है। नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट के बाद आपसे पूछे कि स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट जो स्ट्रॉन्ग होगी वही लॉन्ग होगी, वही लॉन्गेस्ट होगी। लॉन्गेस्ट का मतलब है ये सबसे मजबूत मांसपेशी, और इसको क्या बोलेंगे, सबसे लंबी मांसपेशी। सबसे मजबूत और सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है, आप इसका आंसर देंगे कि जो हमारे थाई के अंदर मसल होती है कौन सी, तो जिसका नाम होता है सार्टोरियस, सार्टोरियस आप बताओगे, इसको हम थाई बोलते हैं। थाई का मतलब क्या होता है, जांग की मांसपेशी, जांग की मांसपेशी, और नाम सार्टोरियस। इसका नेम पूछे आप बताओगे सार्टोरियस, और कभी कभी इसका नाम होता है लिखा हुआ, इसका नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको क्वाड्रीसेप्स, इसको क्वाड्रीसेप्स नाम से भी जानते हैं, क्वाड्रीसेप्स जो घुटने के ऊपर के साइड ट्राइसेप्स के ऊपर का पार्ट होता है उसको क्वाड्रीसेप्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए सार्टोरियस या आप बताएंगे इसको क्वाड्रीसेप्स के नाम से भी जानते हैं। आरआरबी जेई ने पूछा कि सबसे स्ट्रॉन्ग मांसपेशी कौन सी है, तो वहां पर ऑप्शन में क्वाड्रीसेप्स था, वो आपको सही करना था। जो लंबी होगी, देखो ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी सबसे लंबी नहीं होती है, सबसे बड़ी कौन सी, मैक्सिमस ग्लूटियस, और सबसे लंबी कौन सी, जो सबसे मजबूत है, और सबसे मजबूत और सबसे लंबी कौन सी है, तो हम बताएंगे सबसे मजबूत और सबसे लंबी थाई की मसल होती है जिसको क्वाड्रिसेप या सार्टोरियस, सेम नाम हिंदी में है, सार्टोरियस करके यहाँ पर टर्म देते हैं, उसको सार्टोरियस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका अब आता है कि सबसे स्मॉलेस्ट मसल कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मसल, और जो सबसे छोटी होगी वो वीक भी होगी, वो वीक भी होगी, वीकेस्ट। तो आप याद रखिए सबसे छोटी
सबसे छोटी और सबसे कमजोर मांसपेशी, सबसे कमजोर मांसपेशी, कमजोर कहां की होती है आप बताओगे, हमारे कान की होती है। और कान में नाम क्या होता है आप बताएंगे, स्टेपीडियस। क्या नाम होता है? स्टेपीडियस। मैं यहां स्टेपीज की बात नहीं कर रही हूं, मैं यहां पे स्टेपीडियस की बात कर रही हूं। तो कान की मांसपेशी सबसे छोटी भी है और सबसे वीक भी होती है, ठीक है? यस, स्टेपीडियस सबसे स्मॉल भी है और सबसे वीक भी है। एक और आता है, सबसे ब्रॉड मसल कौन सी होती है? हाँ, नेक्स्ट है आपका ब्रॉडेस्ट मसल, सबसे चौड़ी मांसपेशी, ब्रॉडेस्ट मसल, सबसे चौड़ी मांसपेशी, सबसे चौड़ी मांसपेशी, मांसपेशी। आप बताओगे हमारी थाई के अंदर, अपर थाई जो होता है उसके अंदर सबसे चौड़ी मसल होती है कौन सी? तो उसका नाम होता है लैसिटिसिमस, ठीक है? सबसे चौड़ी मांसपेशी पूछे तो आप बताएंगे लैटिसिमस। चलिए यहां पे लिखेंगे इसका नाम लैटिसिमस, 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 ये सबसे चौड़ी होती है। अब मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूं, ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। पूछे सबसे बड़ी लार्जेस्ट मसल कहां की होती है? हिप की। और हिप में कौन सी होती है? मैक्सिमस ग्लूटियस, मैक्सिमस ग्लूटियस, ठीक है? अब पूछे आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब है जो सबसे मजबूत, और लॉन्गेस्ट का मतलब है सबसे लंबी, कहां की? थाई की। कौन सी? सार्टोरियस। देन पूछे सबसे छोटी कहां की? कान की। नाम? स्टेपीडियस। और जो छोटी होगी वो क्या होगी मैम? वीक भी होगी, कमजोर भी होगी। और सबसे ब्रॉडेस्ट, ब्रॉडेस्ट का मतलब है ऐसे चौड़ी, और लार्जेस्ट का मतलब है जो ब्रॉड भी हो और जो लंबी भी हो, ठीक है? तो वो कौन सी होगी? थाई में, जांग में ही होगी। और नाम क्या होगा उसका? लैटिसिमस। नाम क्या होगा उसका? लैटिसिमस। ये आपको बताना है मसल्स में। इसके अलावा आपसे मसल्स में कुछ भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, दो चीजें और बतानी है मुझे। एक आता है लिगामेंट, लिगामेंट क्या होता है? एक आता है टेंडन क्या होता है? एक होता है लिगामेंट और एक होता है टेंडन, ठीक है? एक होता है लिगामेंट, एक होता है टेंडन। दो टर्म आप नए पढ़ोगे। लिगामेंट किसको कहा जाता है आप बताओगे? आपने सुना होगा बहुत बार बोलते हैं डॉक्टर कि आपके लिगामेंट की सर्जरी करनी पड़ेगी, वो टूट चुके हैं। या कभी कभी पूछा जाता है, ऐसे बोलते हैं डॉक्टर कि आपको टेंडन सर्जरी की जाएगी आपकी, क्योंकि आपका टेंडन टूट चुका है, ऐसा कुछ आता है, ऐसा पूछ बोलते हैं डॉक्टर। देखिए लिगामेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा जॉइंट जहां पर दो हड्डियां जुड़ी हुई हैं। लिगामेंट का मतलब होता है एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ जुड़ी हुई है। उस पार्ट को, एक हड्डी यहां से आ रही है, एक हड्डी यहां से आ रही है, इस पार्ट को मैंने लिगामेंट नाम दिया। टेंडन का मतलब होता है एक हड्डी है वो एक मांसपेशी के साथ जुड़ी हुई है। यहां से एक हड्डी आई बट यहां पर ऐसे मसल्स जुड़ी हुई होती हैं, तो उसको हम टेंडन नाम देते हैं, ठीक है? ये आपको पढ़ना है कहां पर? मसल्स में। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है, यहां पर कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है? इसके अलावा मसल से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में, इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बता देंगे सारे क्वेश्चंस, मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहां करवा दिए हैं मसल्स में। इससे ज्यादा, थोड़े से ज्यादा, आंटी को बोला उसे थोड़ा दूध डाल के, बहुत कड़वी है, उसको गर्म कर दे। इसके अलावा जो एमबीबीएस वाले होते हैं उनको पढ़ाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। इसमें मसल्स के अंदर चार टाइप के बैंड होते हैं, जेड बैंड होता है, ए बैंड होता है, आई बैंड होता है, आपको नहीं पढ़ना है। एटीपी होते हैं वो एडीपी में बदलती है, देन एडीपी है वो एएमपी में बदलता है। और जो आपका फॉस्फोरस होता है उसका हेड वाला जो मसल्स के ऊपर डलता है पार्ट, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। इतना कुछ आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में सब नहीं आता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। चलिए
मुझे लगता है सबको इतने बात इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे. अब मैं एक बार मैंने सारी स्लाइड सेव किए हैं, अगर सेव किए हैं तो मैं आपको पढ़ा देती हूँ क्या क्या पढ़ाया मैंने. हाँ देखिए, चलो थोड़ा सा मैंने सेव कर लिया था, ये पढ़ाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या पढ़ाया, कैसे क्वेश्चन आएंगे मांसपेशियों से. सबसे पहला, मसल्स की स्टडी को क्या बोलेंगे? तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे मसल्स की स्टडी को? मायोलॉजी. मसल्स क्या होते हैं मैम? सबसे वीक टिश्यू होते हैं, और मसल्स की वजह से हमारे बॉडी का कितना परसेंट वेट होता है? 50% वेट होता है. मसल्स का कलर लाल. किस पिगमेंट? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन पिगमेंट. मसल्स का काम मूवमेंट करवाना, कॉन्ट्रैक्ट करवाना, रिलैक्स करवाना. मसल्स का काम हमारी हड्डियों को, हमारे जॉइंट को और हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या देना? उनका प्रोटेक्शन देना, उनको सेफ्टी देना. उसके अलावा मसल्स के अंदर कौन कौन से मिनरल होते हैं? 3 मिनरल होते हैं. कौन कौन से? अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम क्या करवाता है? मसल्स फॉर्मेशन करवाता है. उसके बाद अगर मैं बात करूं सल्फर एंड फॉस्फोरस की, क्या करवाते हैं? मसल्स मूवमेंट करवाते हैं. प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन. उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि मसल्स होती कितने टाइप के हैं? मैम 3 टाइप की मसल्स होती हैं. कौन कौन सी आप बताओगे? स्केलेटल मसल, जो क्या होती हैं? हमारी इच्छा से मूव करती हैं. जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं वो सारी कौन करवाते हैं? तो वो सारी स्केलेटल मसल्स करवाती हैं. कार्डियक मसल्स कहाँ होती हैं? हार्ट के अंदर. देन तीसरी कौन सी होती है मैम? स्मूथ मसल्स, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आती हैं. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आने वाली स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स अपनी इच्छा से काम नहीं करती, वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं. ठीक है, उसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स ये याद रखने हैं. आई रियली होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है, और ऐसे ही आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए तो आप सब क्वेश्चंस आंसर कर दोगे. ठीक है, चलिए अब आपका लास्ट यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम में जॉइंट्स पढ़ने हैं आपको कुछ. तो अब नेक्स्ट आप लिखिए जॉइंट्स. जॉइंट्स को हिंदी में नाम दिया जाता है संधियां. जॉइंट्स, संधियां. ठीक है, चलिए अब हम कुछ जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं. देखिए मैंने आपको पढ़ाया हड्डियां. हड्डी कभी भी मूव नहीं कर सकती हैं. दूसरा मैंने पढ़ाया मसल्स मूवमेंट करते हैं. मसल्स के साथ साथ हमारे बॉडी में कुछ जॉइंट्स होते हैं जो क्या काम करवाते हैं? मूवमेंट का काम करवाते हैं. तो आपसे पूछा जाए जॉइंट्स का काम क्या होता है? मूवमेंट का काम करवाना. ठीक है, जॉइंट्स मसल्स के साथ जुड़कर क्या करवाते हैं? तो मैम जॉइंट्स क्या करवाते हैं? हड्डियों और मांसपेशियों के साथ जुड़कर क्या काम करवाएंगे? मूवमेंट का काम करवाएंगे. कैसे? कुछ जॉइंट्स होते हैं जो हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ते हैं, कुछ जॉइंट्स होते हैं जो हड्डी और मसल्स के साथ जुड़ते हैं. जॉइंट्स का काम क्या होता है? मूवमेंट करवाना. कुछ जॉइंट्स कैसे होते हैं? जो दोनों हड्डियों के बीच में बन रहे होते हैं. दो हड्डी है, बीच में एक जॉइंट बन रखा है. ठीक है, कुछ जॉइंट्स होते हैं जो बोन प्लस मसल्स के बीच में होते हैं. एक हड्डी और एक मांसपेशी के बीच में जॉइंट है, तो वो मूवमेंट का काम करवा रहा है. कुछ जॉइंट्स होते हैं हड्डी और कार्टिलेज के बीच में. कार्टिलेज क्या होती है? उपास्थि. और मैंने आपको पढ़ाया है कार्टिलेज उपास्थि को कहा जाता है. उपास्थि क्या होता है? जैसे हमारा नोज, इसको कार्टिलेज बोलेंगे. जैसे हमारा कान, इसको कार्टिलेज बोलेंगे. ठीक है, तो आप मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि हमारे जॉइंट्स क्या करते हैं? मूवमेंट का काम करवाते हैं. कैसा मूवमेंट? दो हड्डियों के बीच में होते हैं तो इनमें मूवमेंट हो जाएगा. हड्डी प्लस मसल के बीच में, तो इनमें मूवमेंट हो जाएगा. हड्डी और कार्टिलेज उपास्थि के बीच में, तो मूवमेंट. मैंने कान को ऐसे छेड़ा तो इस कान के अंदर बोन प्लस कार्टिलेज का मूवमेंट है, तो क्या हो गया? इसमें कान के अंदर मूवमेंट हो गया. तो जॉइंट्स का काम क्या होता है मैम? मसल्स या हड्डी या आपके कार्टिलेज के साथ जुड़कर क्या करवाना? मूवमेंट करवाना. ये बता देंगे कि हम जॉइंट्स क्यों पढ़ना जा रहे हैं. जॉइंट्स को हिंदी में संधियां बोलते हैं, और ये सब क्या करते हैं? तो ये सब हमारा मूवमेंट का काम करवाते हैं. अब बात आती है कि जॉइंट्स होते कितने टाइप के हैं? आप बताओगे 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. संधियां 3 प्रकार की होती हैं, या जॉइंट्स 3 टाइप के होते हैं. कौन कौन से? सबसे पहले जॉइंट्स पढ़ोगे आप फाइब्रियस जॉइंट, या आप इसको कह सकते हैं फाइब्रस जॉइंट. फाइब्रस जॉइंट जो सबसे स्ट्रॉन्ग जॉइंट होते हैं. देखिए
इनको बोला जाता है फाइबर्स जॉइंट. सबसे पहले आप लिखोगे फाइबर्स जॉइंट, बता देंगे एक नंबर पे आते हैं आपके फाइबर्स जॉइंट. या इनको कहा जाता है इमूवेबल जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट. और इनको हिंदी में कहा जाता है एचल संधि, एचल संधि. ठीक है, इमूवेबल जॉइंट. दूसरा आप बताएंगे कार्टिलेज जॉइंट. दूसरा क्या होता है? दूसरा आप बताएंगे कार्टिलेजियस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट. हिंदी में इसको बोलेंगे उपास्थि संधि, उपास्थि संधि. और ये क्या होते हैं? ये आप बताओगे, ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं. ये क्या होते हैं? स्लाइटली मूवेबल, मतलब फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, स्लाइटली मूवेबल. हिंदी में बोलेंगे इनको अपूर्ण संधि, मतलब जिनमें प्रॉपर मूव नहीं हो पाती है, स्लाइटली मूव कर पाए वो. ठीक है, कौन कौन सा? पहला फाइब्रस जॉइंट, जिनको हम इमूवेबल बोलते हैं, जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते हैं. कार्टिलेज जॉइंट, जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं. या जिनको इम्परफेक्ट जॉइंट बोलते हैं, जिनको इम्परफेक्ट, जो परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट जॉइंट्स है. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है साइनोवियल जॉइंट. कौन सा? साइनोवियल जॉइंट्स. और इनको कहा जाता है परफेक्ट जॉइंट्स, परफेक्ट जॉइंट. और ये क्या होते हैं? तो इनको हिंदी में पूर्ण संधि करके नाम दिया जाता है, पूर्ण संधि. और ये क्या होते हैं? ये फ्रीली मूवमेंट वाले होते हैं, ये फ्रीली मूवेबल होते हैं. ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया, जॉइंट्स. जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं? मैम जॉइंट्स दो टाइप के, सॉरी जॉइंट्स तीन टाइप के होते हैं. कौन कौन सा? पहला फाइब्रस जॉइंट, दूसरा कार्टिलेजियस जॉइंट, और थर्ड साइनोवियल जॉइंट. ध्यान से सुनिएगा, जो फाइबर्स जॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं मैम? वो इमूवेबल होते हैं. क्या होते हैं? वो इमूवेबल होते हैं. आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? आपसे पूछेगा ऐसे जॉइंट जिनमें मूवमेंट नहीं होता है, जो इमूवेबल होते हैं उनको क्या बोला जाता है? हम क्या बोलेंगे? उनको फाइबर्स जॉइंट का नाम देते हैं. कैसा जॉइंट? फाइबर्स जॉइंट. दूसरा कार्टिलेजियस जॉइंट क्या होते हैं? जो स्लाइटली मूव कर पाते हैं, जो स्लाइटली मूव कर पाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम कार्टिलेजियस जॉइंट बोलते हैं. या इनको इम्परफेक्ट जॉइंट्स कहते हैं, जिनमें कंप्लीट तरीके से मूवमेंट नहीं है, जो फ्री नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट आता है साइनोवियल जॉइंट या परफेक्ट जॉइंट, मतलब जो फ्रीली मूव कर पाए, जिनको हम पूर्ण संधि कहते हैं, जो कंप्लीटली फ्री है, कंप्लीटली मूव कर पाए वो, उनको क्या बोलते हैं हम? साइनोवियल. बता देंगे इतनी बात. आपसे पूछे कितने टाइप के जॉइंट? थ्री टाइप्स के. कौन कौन से? तो आप तीनों याद रखो, फाइबर्स, कार्टिलेज एंड साइनोवियल जॉइंट्स. सबसे ज्यादा मूव कौन कर सकता है? ये, उसके बाद ये. इनमें तो मूवमेंट होता ही नहीं. तो आपसे एग्जाम में पूछेगा किस टाइप के जॉइंट्स में मूवमेंट नहीं होता? फाइबर्स जॉइंट में नहीं होता, है ना. चलिए अब अगर आपसे पूछे फाइबर्स जॉइंट होते कहाँ हैं, अगर इनमें मूवमेंट ही नहीं होते तो ये काम के क्या होते हैं? आप बताओगे इनका काम क्या होता है? ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. ठीक है, ये क्या होते हैं? एक हार्ड कवरिंग से घिरे हुए होते हैं. इनके बाहर बहुत हार्ड मटेरियल लगा हुआ होता है, बहुत कठोर पदार्थ लगे होते हैं, बहुत ज्यादा कठोर कवरिंग होती है, कठोर आवरण होता है, जिसके चलते हुए ये मूव नहीं कर पाते हैं. जैसे हमारा ये ऊपर वाला स्कल, खोपड़ी. इस खोपड़ी के अंदर क्या होता है? दिमाग. दिमाग ये नहीं है, ना ही यही दिमाग है, दिमाग होता है इस खोपड़ी के अंदर, यहां की साइड. तो इस खोपड़ी के अंदर जो जॉइंट्स हैं वो कौन से हैं? आप बताओगे फाइबर्स जॉइंट होते हैं, जो इमूवेबल होते हैं और जो हार्ड कवरिंग से घिरे हुए होते हैं. एग्जाम्पल,
आप दे सकते हो हमारे जो स्कल जॉइंट्स होते हैं, हमारे जो खोपड़ी के अंदर जॉइंट्स होते हैं जिनमें मूवमेंट, क्या ये खोपड़ी ऐसा थोड़ी ना कभी इधर खिसक रही है, 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 कभी नहीं खिसकती। और इस खोपड़ी के अंदर क्या होता है, हमारा दिमाग होता है। तो ये कहाँ होता है, स्कल जॉइंट्स में, या आप बोल सकते हो फ्लैट स्कल बोन्स, जो हमारी खोपड़ी के अंदर जो चपटी हड्डियां होती हैं उनके बीच में कौन से होते हैं, फाइब्रस जॉइंट होते हैं। कौन से, फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। अब ये इतने हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो फाइबर्स होते हैं वो डेंस होते हैं, इनके बीच में जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, डेंस फाइबर्स जॉइंट होते हैं, डेंस फाइबर्स जॉइंट होते हैं। बहुत ही ज्यादा ऐसे थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर होती है जो बहुत डेंस रहती है, ऐसे डेंसी एरिया होता है जिसके अंदर बहुत सारे जॉइंट्स आते हैं, इसकी ऐसा होता है तो ये मूव नहीं कर पाते हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है, तो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देना, ठीक है। और मेनली कहाँ होते हैं, तो आप बताएंगे हमारे स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर जो जॉइंट्स हैं, जो क्रैनियल वाला पार्ट है उसके अंदर जो जॉइंट्स हैं वो सब कौन से होते हैं, फाइबर्स जॉइंट होते हैं, बता देंगे इतनी बात। चलिए अब आता है कार्टिलेजियस जॉइंट कौन से होते हैं, इसको यहां से हटा दिया जाए। अब आता है कार्टिलेजियस जॉइंट कहाँ होते हैं, ये एक फाइबर्स में आपको इतना ही याद करना है, इम्परफेक्ट जॉइंट्स कहाँ होते हैं। कार्टिलेज का मतलब क्या होता है, उपास्थि, दो नंबर पे लिखिए कार्टिलेजियस जॉइंट। कार्टिलेज का मतलब क्या होता है मैम, उपास्थि, नाम से क्लियर है, यहां पर आपको कुछ नहीं लिखना, नाम से क्लियर है। ऐसे जॉइंट जो किसके थ्रू जुड़े हुए होते हैं, ऐसे जॉइंट जो कार्टिलेज के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, किसके थ्रू, कार्टिलेज। और कार्टिलेज क्या होते हैं मैम, उपास्थि। कैसे, मान लो एक हड्डी यहां से है, एक हड्डी यहां से है, और इनके बीच में ये जो जॉइंट है उस जॉइंट के अंदर क्या होंगी, इस जॉइंट के अंदर मैम मसल्स हैं, सॉरी उसके अंदर क्या है, कार्टिलेज, ये बीच में क्या है, कार्टिलेज। तो ये जॉइंट जो कार्टिलेज से मिलकर बना हो, जो उपास्थि से मिलकर बना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्टिलेजियस जॉइंट का नाम देंगे। कुछ कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक हड्डी दो हड्डी, दो हड्डियां अगर एक कार्टिलेज के साथ जुड़ी हो उसको हम कार्टिलेजियस जॉइंट का नाम देते हैं। और ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं, कंप्लीट तरीके से मूव नहीं कर पाते हैं, स्लाइटली मूवेबल होते हैं। अब आपसे पूछे जाएंगे इनके एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल कहाँ पर होते हैं, आप बताओगे हमारा जो प्यूबिक गिर्डल होता है, याद करो बोन्स वाली क्लास मैंने आपको बताए थे दो गिर्डल, एक प्यूबिक और दूसरा कौन सा था, पेक्टोरियल गिर्डल। ये वाला कौन सा था, पेक्टोरियल, जिससे हमारा हाथ वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, और जो हमारा हिप वाले एरिया में जो कॉक्सल बोन्स थी, मैंने बताया था कि ऐसे आपके दो कॉक्सल बोन्स आती हैं इसके अंदर, एक यहां से आती है एक यहां से आती है, और इन दोनों को आकर जुड़ जाती है, इसको गिर्डल का नाम दिया जाता है। तो ये जो कॉक्सल बोन है, इन बोन्स को, इनको कॉक्सल नाम दिया जाता है। एक हड्डी आई दूसरी हड्डी आई, बीच में क्या है, ये कार्टिलेज। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कार्टिलेज जॉइंट का। आपसे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे कि कार्टिलेज जॉइंट कहाँ होते हैं, आप बताओगे इन प्यूबिक गिर्डल, या आप क्या बताओगे, इसको बोलते हैं श्रोणी मेखला, मैं सब पढ़ा चुकी हूं आपको पीछे, या बोलेंगे जो हमारी कॉक्सल हड्डियां होती हैं उनके बीच में कौन सा होता है, कार्टिलेज जॉइंट होता है। नेक्स्ट आप इसका एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल क्या देंगे, बिटवीन बिटवीन चेस्ट बोन एंड एंड रिब्स। रिब्स का मतलब क्या होता है, पसली, और चेस्ट बोन का मतलब छाती वाली हड्डी। ये मैम कैसे, याद करो मेरी वो क्लास जब मैंने आपको हार्ट पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था हार्ट कहाँ होता है, तो मैम आपने पढ़ाया था कि ऐसे हमारे चेस्ट वाले पार्ट में एक चेस्ट बोन होती है, और मैम जी आपने इसका नाम क्या बताया था, इसका नाम बताया था स्टर्नम, और इस स्टर्नम के दोनों साइड क्या जुड़े हुए होते हैं, तो मैम इस स्टर्नम के दोनों साइड रिब्स, ऐसे 12 पेयर होते हैं, 12 इस साइड और 12 इस साइड।
तो ये रिब्स डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए होते हैं, ये कैसे जुड़ते हैं, यहां से एक रिब आई, ये स्टर्नम है, तो इस रिब और स्टर्नम के बीच में यहां पर कार्टिलेज जुड़ी हुई होती है, ऐसे ऐसे बीच में, तो ये किसके थ्रू जुड़ता है, कार्टिलेज के, और कार्टिलेज के थ्रू जुड़ने वाला जॉइंट कौन सा, कार्टिलेजियस जॉइंट। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कार्टिलेजियस जॉइंट। कहाँ होता है मैम, हमारा स्टर्नम और इसके इसके ऊपर जो पसली लगी हुई है उन दोनों के बीच में कार्टिलेज होती है, तो इसको कार्टिलेजियस जॉइंट। इसको बिल्कुल स्टार कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो स्टर्नम और जो रिब्स होती हैं उनके बीच में कौन से जॉइंट होते हैं, आप क्या बताओगे, कार्टिलेजियस जॉइंट होते हैं। कॉक्सल बोन के बीच में कौन से होते हैं, कार्टिलेजियस जॉइंट। बस इतना आपको यहां से पढ़ना था, ठीक है, इसके एग्जाम्पल दो ही आते हैं। अब नेक्स्ट आप बताएंगे कौन सा, साइनोवियल जॉइंट, ये आपको डिटेल में पढ़ना है, यहां से ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स, कौन सा, साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स, इनको बोलते हैं पूर्ण संधि, पूर्ण संधि। और साइनोवियल जॉइंट क्या करते हैं मैम, ये फ्रीली मूवेबल होते हैं, इनमें कंप्लीट तरीके से ये मूव कर पाते हैं, फ्रीली मूवेबल, मूवेबल, और हिंदी में बोलेंगे इनको पूर्ण संधि, पूर्ण संधि। अब इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसके भी टाइप्स होते हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसको मैंने साइनोवियल जॉइंट क्यों बोला, ध्यान से सुनो क्यों बोलते हैं इसको, ये एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है, जब ये दोनों हड्डी साइनोवियल जॉइंट के थ्रू बनती हैं तो ये दोनों आपस में जुड़कर यहां पर एक कैविटी फॉर्म करती है, एक कैविटी बनाती है ऐसे, इस कैविटी को नाम दिया जाता है साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल कैविटी। और इस कैविटी के अंदर ऐसे फ्लूइड भरा रहता है, इसके अंदर लिक्विड मटेरियल होते हैं, फ्लूइड भरा रहता है, और इस फ्लूइड को नाम दिया जाता है साइनोवियल फ्लूइड, इसको नाम दिया जाता है साइनोवियल फ्लूइड। और इस साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो एज ए लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको साइनोवियल जॉइंट का नाम दे दिया, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि साइनोवियल कैविटी किस टाइप के जॉइंट्स में होती है, या एज ए लुब्रिकेंट, जिन ऐसे जॉइंट्स का नाम बताओ जिनके बीच में कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको लुब्रिकेंट, और जो एज ए लुब्रिकेंट की तरह काम करता है उसको हम क्या बोलेंगे, साइनोवियल जॉइंट बोलेंगे। अब कितने टाइप के होते हैं, ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, सबसे पहला हमें एक एक करके साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप पढ़ने हैं, और यहीं से आपके मेन क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो साइनोवियल जॉइंट का सबसे पहला टाइप लिखिए, यहां पर एक नंबर पे लगा के लिखिए, बोल एंड सॉकेट जॉइंट। सबसे पहला आता है बोल एंड सॉकेट, जॉकेट नहीं, सॉकेट जॉइंट, बोल एंड सॉकेट जॉइंट, सॉकेट जॉइंट। हिंदी में थोड़े से अटपटे से नाम है, बट जैसे भी नाम है आपको याद करने ही पड़ेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं कंदुक, कंदुक, खलीका, खलीका संधि, कंदुक, खलीका संधि। सबसे पहला साइनोवियल जॉइंट है बोल एंड सॉकेट जॉइंट। नाम से क्लियर हो रहा है, एक बोल है जो स्टेबल है, देखिए कैसे होते हैं ये जॉइंट। आप जो बॉल होती है, जो क्रिकेट खेलते हैं बॉल, उस बॉल को लो, उसको काट दो, जब आप काटोगे तो आपको कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर बन जाएगी उस बॉल की। तो ये आपका है एक बॉल, इसके अंदर ये वाला पार्ट हो गया सॉकेट, और ये स्टेबल है, ये पार्ट स्टेबल है, स्थाई है, और इस पार्ट के अंदर ऐसे एक हड्डी आकर इसके अंदर फिक्स हो जाती है। ये क्या था, स्टेबल पार्ट जो सॉकेट है, और ये जो बाहर से हड्डी आई है वो अनस्टेबल है, और ये क्या करती है, ये मूव करती रहती है, ये क्या करती है,
मूव करती रहती है। जैसे आप ओंखली जानते हैं, ओंखली जिसके अंदर मसाले वसाले कूटे जाते हैं, ओंखली के अंदर मूसल, मूसल से हम कुछ भी ऐसे पीसते हैं, तो ओंखली वाला पार्ट क्या हो गया? स्टेबल। तो वो कैसे काम कर रहा है? एक सॉकेट की तरह। ओंखली क्या कर रही है? सॉकेट की तरह काम कर रही है। और जो मूसल आते हैं, मूसल से हम कुछ भी मसाला वसाला पीसते हैं, तो वो क्या करता है? अनस्टेबल पार्ट होता है। तो इस टाइप के जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? बोल एंड सॉकेट जॉइंट। मैं आपको इसका कुछ इमेज दिखाऊं, तो मैंने कुछ इमेज सेव की थी, ये नहीं है। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट कैसे निकलेगा इसमें? ये वाला नहीं, नेक्स्ट निकालो, नेक्स्ट निकालो। ये वाला देखिए, इस इमेज में देखिए, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये एक बोल की तरह हो गया, कटे हुए बोल की तरह। ये स्टेबल पार्ट है, और इसके अंदर बाहर से एक हड्डी आई है, मूसल जैसी स्ट्रक्चर आई है, ये इसके अंदर ऐसे मूव कर रहा है। तो इस टाइप के जॉइंट्स को हमने क्या बोला है? बोल एंड सॉकेट जॉइंट। ये वाला स्टेबल पार्ट है, एक सॉकेट की तरह काम कर रहा है यहां का पार्ट, इसके अंदर आकर ये हड्डी एक फिक्स हो गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बोल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, चलिए। तो ये आपका हो गया। अब आपसे आपके इसके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे कि इसके एग्जाम्पल कहाँ पे होते हैं, ये जॉइंट्स पाए कहाँ जाते हैं। आप बताओगे कि हमारे जो शोल्डर होते हैं, हमारा जो शोल्डर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये मेरा स्टेबल पार्ट है, इसके अंदर ये जो मेरा ह्यूमेरिस है, ये जो हड्डी है, ये आकर इसके अंदर फंस गया, ये ओंखली की तरह काम कर रहा है, ये पार्ट मूसल की तरह काम कर रहा है, ये मेरा सॉकेट है, इसके अंदर आके ये हड्डी फंस गई और ये ऐसे मूव कर पा रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो कंधे वाली हड्डी है और जो ह्यूमेरिस है, इसके बीच में जो जॉइंट है, यहां पर इस जॉइंट को मैं नाम क्या दूंगी? बोल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, दूसरा आप बताएंगे शोल्डर वाले क्या बतावा, कंधे वाले जॉइंट के अलावा हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में मैंने अभी आपको बताया था, वो कॉक्जल बोन्स आके जुड़ जाती हैं। ठीक है, हिप जॉइंट में कैसे? जो हमारा हिप वाला एरिया है वो हमारा सॉकेट है, और जो हमारा फीमर है, जो थाई बोन है, वो अनस्टेबल है। तो थाई बोन आकर किसके अंदर घुस रहा है? सॉकेट के अंदर, मतलब हमारे थाई के अंदर। थाई बोन किसके अंदर? हमारे हिप के अंदर। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने कि जो शोल्डर जॉइंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? बॉल एंड सॉकेट, कंदुक खलिका संधि। हिप जॉइंट भी कौन से होते हैं? हिप जॉइंट को बोलेंगे नितंब संधि। क्या बोलेंगे? नितंब संधि। तो ये दोनों क्या होते हैं? हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में आपसे इनके एग्जाम्पल पूछेगा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल बताइए, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट लिखिए यहां पर बॉल एंड सॉकेट के अलावा, अब दूसरा आप लिखिए यहां पर हिंज जॉइंट। दूसरा आता है हिंज जॉइंट, जिसको बोलते हैं कब्जा संधि, जिसको बोलते हैं कब्जा संधि, हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट। हिंदी में इसको कहा जाता है कब्जा संधि। देखिए, कब्जा संधि का मतलब क्या होता है? ये जो जॉइंट्स होते हैं, ये दरवाजे की तरह होते हैं। कैसे? आपने दरवाजा को पुश किया तो दरवाजा एक ही साइड में खुलता है, उधर की साइड खुलेगा। ऐसे ही इन जॉइंट्स में भी क्या होते हैं? एक ही डायरेक्शन में मूव करने वाले होते हैं। ठीक है, एक हड्डी फिक्स होती है, दूसरी हड्डी क्या करती है? एक डायरेक्शन में। कैसे? देखो, मान लो ये एक आपकी हड्डी लगी हुई है, इसके ऊपर यहां पर ऐसे दूसरी हड्डी लगी हुई है, तो ये हड्डी या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी या इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इसको क्या कहा जाता है? हिंज जॉइंट। तो आप बताएंगे हिंज जॉइंट में एक हड्डी फिक्स होती है। कैसे? एक बोन फिक्स होती है और दूसरी बोन क्या करती है? मूव करती है। दूसरी हड्डी क्या करती है? दूसरी हड्डी मूव करती है। तो इस टाइप के जॉइंट्स को हम नाम क्या देते हैं? हिंज जॉइंट्स। कैसे? जैसे देखो, ये मेरा एल्बो कोनी वाला पार्ट है, ये कोनी वाला पार्ट मेरा स्टेबल है, और ये मेरा हाथ है, वो इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, जो एल्बो जॉइंट्स है, ये वाला जॉइंट जो है, इसको क्या बोलूंगी मैं? हिंज जॉइंट। ये हमारा स्टेबल है, ये इस एक एक्सिस में ऐसे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये आप बताएंगे इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा? आप बताओगे एल्बो जॉइंट्स, जो हमारे कोहनी वाले जॉइंट्स होते हैं, एल्बो जॉइंट्स, कोहनी संधियां, कोहनी में जो संधियां होती हैं वो यहीं आएंगी। नेक्स्ट आप बताएंगे
जो हमारा घुटना और घुटने के नीचे वाला पार्ट होता है, कैसे, नी जॉइंट, घुटने के नीचे हमारा जो टीबिया फैबुला होता है, उन दोनों के बीच में घुटने वाले जॉइंट, घुटने वाले जॉइंट, घुटने वाली संधियां। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि जो हमारे फिंगर्स एंड टोज में होती हैं, जो उंगलियों में होती हैं, उंगलियों के बीच में होते हैं, और जो टोज में होती हैं, उन जॉइंट्स को भी क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं हिंज जॉइंट का, नेक्स्ट करना इमेज, हाँ पीछे वाली करो, बैक करो फिर। देखिए ये वाला पार्ट है, ये स्टेबल है, ये वाला जो पार्ट है ये स्टेबल, और ये दूसरी हड्डी आ रही है, ये हड्डी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जैसी ये वाली, ये वाला ऐसे ऐसे जो मूव करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, हिंज जॉइंट। ठीक है, चलिए तीन होते हैं इसके एग्जांपल, हमारी फिंगर्स और टोज के बीच में, उसके अलावा आप बताएंगे हमारा जो कोहनी वाला पार्ट है उसमें, और हमारा जो घुटने के नीचे का पैर होता है जो इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर सकता है, उसको भी क्या बोलते हैं हम, हिंज जॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट, दो हो गए यहां पर टाइप, ये किसके टाइप चल रहे हैं, ये सारे साइनोवियल जॉइंट के टाइप चल रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आप बताएंगे पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, और हिंदी में इसको कहा जाता है खूंटी संधि, खूंटी संधि, खूंटी संधि। अब ये तो आप नाम से ही समझ सकते हैं, आपने देखा होगा हम गाय और भैंस को एक खूंटी से बांध देते हैं, एक खूंटी से बांध देते हैं, एक स्टेबल है, खूंटी है, और गाय भैंस इसके चारों तरफ ऐसे एक प्रॉपर एक्सिस में वो मूव करती रहती है, उसको क्या बोलते हैं हम, कौन सा, पाइवोट जॉइंट। इसमें मतलब, कहने का मतलब है किसी भी एक हड्डी, एक हड्डी है वो खूंटी के चारों तरफ मूव करती है, के चारों तरफ मूव कर देती है, जो भी उसको एक्सेस मिलता है उसके चारों तरफ वो क्या कर देती है, मूवमेंट कर देती है। कैसे, मान लो ये एक हड्डी है, इसके चारों तरफ एक दूसरी हड्डी लगी हुई है, ये हड्डी ऐसे मूव करती रहती है, ये हड्डी ऐसे मूव करती रहती है, उसको हम क्या बोलेंगे, पाइवोट जॉइंट बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आप बताएंगे जो हमारे नेक जॉइंट्स होते हैं हमारी गर्दन में, कैसे, देखो गर्दन का प्रॉपर एक मेन एक्सेस है, ये मेरी मुंडी है, ये मेरे प्रॉपर एक्सेस से जुड़ी हुई है, तो मेरा एक्सेस क्या हो गया, खूंटी हो गया, और गर्दन ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, इसका एक प्रॉपर एक्सेस बना हुआ इधर की साइड पूरा, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, खूंटी जॉइंट या पाइवोइट संधि बोल दिया। ठीक है, नेक जॉइंट्स किस में आते हैं, पाइवोइट जॉइंट में आते हैं, मेन एक्सेस मेरा खूंटी पाइवोइट की तरह काम करेगा, मेरे गर्दन में जो एटलस हड्डी से जुड़ा हुआ है वो ऐसे जॉइंट क्या करेगा, यहां पे काम करेगा। जैसे मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊं, अब प्लीज आगे कीजिए इसको, नेक्स्ट दिखाइए, हिंज के बाद नेक्स्ट कीजिए, ये रहा पाइवोट, देखो ये स्टेबल है, ये हड्डी इसके इसके अंदर आके फंस जाएगी, इस पार्ट में जब फंसेगी तो इतने इतने पार्ट में क्या करेगा, ये मूव करेगा, ये मेन एक्सिस है, इसके ऊपर बांध दिया इस हड्डी को, ये ऐसे मूव करेगी, इसको क्या बोलेंगे हम, पाइवोट जॉइंट बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक वाले जॉइंट्स कौन से होते हैं मैम, पाइवोइट जॉइंट होते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखने हैं कौन से, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ग्लाइडिंग जॉइंट्स को क्या बोलेंगे, ग्लाइडिंग जॉइंट्स को हिंदी में नाम दिया जाता है विसर्पी संधि, विसर्पी संधि, संधि विसर्पी संधियां या विसर्पी संधि। देखो ग्लाइडिंग का मतलब होता है यहां पर पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग एक स्पोर्ट होता है, आपने सुना हो तो कुछ लोग हेलीकॉप्टर से पैराशूट लेके ऐसे उड़ते हुए वो नीचे आते हैं, तो जो पैराग्लाइडिंग टाइप के जॉइंट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम क्या, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। और ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहाँ होते हैं आप बताएंगे, ये स्मूथ मसल्स के बीच में होते हैं, जो स्मूथ, जो चिकनी मांसपेशी, अभी पढ़ाया था मैंने, कुछ चिकनी फ्लेक्सिबल मांसपेशी होती है जो किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी मूव कर सकती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ठीक है, जैसे ऐसे मूव करते हैं वैसे, ग्लाइडिंग की तरह, जैसे पैराग्लाइडिंग करते हैं वैसे मूव करती हैं वैसे। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि ये कहां पर होते हैं, आप बताओगे कार्पल्स के बीच में होते हैं, ये जॉइंट्स कहां होते हैं, कलाई के बीच में। देखो ये मेरा कलाई वाला पार्ट है, तो इसको देखो ऐसे मूव कर रहा है, कलाई वाला पार्ट ग्लाइड कर रहा है, ग्लाइडिंग की तरह कर रहा है, ऐसे पैराग्लाइडिंग की तरह। तो कार्पल्स के बीच में, कलाइयों के बीच में कौन से जॉइंट्स होते हैं,
gliding joints. ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि हमारे जो कलाई वाला पार्ट होता है उसके बीच में कौन सा जॉइंट होता है, आप बताएंगे ग्लाइडिंग जॉइंट्स. और ग्लाइडिंग का मतलब क्या है, जो स्मूथ मसल्स के बीच में हो. ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहां पर सैडल जॉइंट्स. नेक्स्ट आते हैं यहां पर आपका सैडल जॉइंट. और सैडल जॉइंट को हिंदी में सैडल जॉइंट ही कहा जाता है, कुछ भी इसके लिए अलग नाम नहीं है, सैडल संधि ही कहा जाता है. ठीक है, देखिए सैडल का मतलब होता है यहां पर सीट, सीट का मतलब होता है गद्दी. गद्दी के जैसे, जैसे आपने अगर कभी हॉर्स राइडिंग की हो, अगर आप गद्दे सॉरी गधे के ऊपर नहीं सॉरी हॉर्स के ऊपर, घोड़े के ऊपर अगर आप बैठे हो तो आपने देखा होगा घोड़े के ऊपर ऐसे, ये आपका घोड़ा है, घोड़े के इस वाले पार्ट पर ऐसा सा करके गद्दी सा, क्या हो रहा है इसको, ऐसी सी एक गद्दी बनी हुई होती है ऐसे, और इस प्रॉपर गद्दी के ऊपर हम लोग बैठते हैं. तो आपने देखा होगा ना ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आप मूव करते रहते हैं. अगर आपने हॉर्स राइडिंग की हो तो आगे पीछे आगे पीछे, ये एक सीट सा बना हुआ है हॉर्स के ऊपर, इसके ऊपर बैठोगे तो आप कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे मूव करोगे आप. ठीक है, तो सीट के जो जॉइंट्स होते हैं सीट की स्ट्रक्चर के, उनको क्या कहा जाता है, सैडल जॉइंट्स. इसका एग्जाम्पल बिटवीन बिटवीन कार्पल कार्पल एंड मेटाकार्पल, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में कौन से जॉइंट होते हैं, सैडल. कैसे, ये हमारा कार्पल ये हमारा मेटाकार्पल, तो इनके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एक बार आगे एक बार पीछे की साइड मूव करने वाले. तो आप बताएंगे कलाई और मेटाकार्पल के बीच में जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कार्पल और मेटाकार्पल सिर्फ किसका, तो आप बताएंगे थंब का, थंब का अंगूठे का, थंब का ये हमारा सीट वाला अंगूठे में यहां पर ये होता है कार्पल, ये होती है मेटाकार्पल. कभी कभी कुछ लोग यहां से कटाके निकालते हैं तो वो जॉइंट्स की वजह से ही निकल जाते हैं. तो जो अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सैडल जॉइंट का नाम देते हैं. उसको हम किसका नाम देते हैं, सैडल जॉइंट का नाम देते हैं. अंगूठे की कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में कौन सा, सैडल. नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका और लास्ट जॉइंट है एलिप्सोइड जॉइंट. नेक्स्ट है आपका एलिप्सोइड जॉइंट, सेम नाम हिंदी में, कुछ अलग नाम नहीं है, एलिप्सोइड संधि हो जाएगा. एलिप्सोइड जॉइंट का मतलब क्या होता है, जो पीछे और आगे दोनों की साइड मूव कर पाए. जो पीछे आगे, कहने का मतलब है ये एक हड्डी है, मान लो यहां पर आपकी ऐसे एक हड्डी बनी हुई है, इस हड्डी के अंदर दूसरी हड्डी आकर फिक्स हुई, ये हड्डी इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, इसमें भी कर सकती है, इसमें भी कर सकती है और इसमें भी कर सकती है. जो बैक में फॉरवर्ड में और साइड बाय साइड चारों डायरेक्शन में मूव करने वाला जॉइंट कौन सा होता है, एलिप्सोइड जॉइंट होता है. कौन सा, एलिप्सोइड जॉइंट. कहाँ होता है आप बताओगे, हमारी डिजिट्स के बीच में, डिजिट मतलब उंगली के बीच में, उंगलियों के बीच में. देन आप बताओगे, अच्छा डिजिट को दूसरा नाम देते हैं हम फेलेंजस, बताया है मैंने आपको, पढ़ाया है फेलेंजस. फेलेंजस के बीच में या उंगलियों के बीच में कौन सा होता है, एलिप्सोइड. नेक्स्ट आप बताएंगे कि हाँ पैर की और हाथ की दोनों फेलेंजस के बीच में कौन से जॉइंट्स होते हैं, एलिप्सोइड. इतना आपको पढ़ना है, इसका एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है एलिप्सोइड जॉइंट में. तो इतने सारे जॉइंट्स मैंने आपको जो पढ़ाए, देखो कौन कौन से, एक नंबर हमने कहां से स्टार्ट किया, तो आपको मैंने कार्टिलेज जॉइंट्स पढ़ाए, कार्टिलेज जॉइंट्स के बाद मैंने साइनोवियल जॉइंट्स पढ़ाए. साइनोवियल जॉइंट्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, सबसे पहला हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ा, जिसमें एक बॉल में के अंदर एक हड्डी फिक्स हो जाती है, ये वाला स्टेबल है ये वाला अनस्टेबल है. जो हिप वाले पार्ट में और जो हमारे कंधे वाले पार्ट में होता है उसको हम बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं. नेक्स्ट आता है हिंज जॉइंट, एक एक प्रॉपर एक बोन फिक्स है, दूसरी हड्डी इसके चारों तरफ मूव कर रही है एक प्रॉपर मेन एक्सिस में, तो नी जॉइंट्स और एल्बो जॉइंट्स और फिंगर और टोज का जॉइंट्स इसका एग्जांपल है. नेक्स्ट आप बताएंगे इसके बाद यहां पर पाइवोइड जॉइंट, एक खूंटी के चारों तरफ नेक वाला,
ठीक है. उसके बाद आप बताएंगे ग्लाइडिंग जॉइंट, पैराग्लाइडिंग टाइप पर जो स्मूथ मसल्स होती है उनके बीच में कार्पल वाले पार्ट में ऐसे ऐसे मूव कर रहा है उसको. और उसके बाद हमने बताया सैडल, सैडल का मतलब है एक सीट गद्दी के आकार के, या तो आगे या पीछे, बैक या फॉरवर्ड, उसको क्या बोलेंगे, कार्पल एंड मेटा, कार्पल ऑफ थंब. नेक्स्ट हम याद रखेंगे एलिप्सोइड, बैक और दोनों साइड में और फॉरवर्ड में जो डिजिस्ट के बीच में होते हैं. ठीक है, ये आपके जॉइंट्स थे, ये आपके जॉइंट्स थे जो आपको पढ़ने हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं. ये आपका कंप्लीट हो गया जूलॉजी. ब्रेन की वीडियो आपको मिल जाएगी, ब्रेन की वीडियो जिन बच्चों को नहीं मिली है, मैंने पढ़ाया है ब्रेन, बट कुछ बच्चों को शायद ऐप अपडेट हुई तो कुछ बच्चों को मिल नहीं पाया ब्रेन का वीडियो, तो मैं आज वो अपलोड करवा दूंगी, आप वहां से पढ़ लीजिए. अब कल से हम स्टार्ट करेंगे बॉटनी. बॉटनी 4 क्लास का है, 4 क्लास के बाद आपका खत्म हो जाएगा. ठीक है, 4 क्लास के बाद आपका बायोलॉजी खत्म हो जाएगा. जूलॉजी में ब्रेन बचा है, ब्रेन की वीडियो मैं डलवा दूंगी, क्योंकि ब्रेन पढ़ा चुकी हूं ऑलरेडी, बट वो वीडियो शायद ऐप अपडेट हुई तो कुछ बच्चों के वीडियो गायब हो गए हैं, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा. ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच आपका जूलॉजी खत्म करवाने के लिए. जूलॉजी खत्म हो गया, बॉटनी के 4 क्लास है, 4 क्लास में खत्म हो जाएगा. उसके बाद 3-4 क्लास आपकी केमिस्ट्री की बची है वो, और मेरी साइड से आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा. ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच.